बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ख़वातीनो हज़रात, दुआ यही कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और दूसरों को, अपने लिए दुआ तो करते हैं लेकिन दूसरों के लिए दुआ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीनो हज़रात, ख़वातीनो हज़रात, ज़िंदगी का मामला कुछ यूँ है। हम आते हैं इस दुनिया के अंदर, हमें नहीं पता होता हमारी कितनी ज़िंदगी है। आके अपने ज़िंदगी के दुनियावी कामों में हम ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने इस दुनिया से जाना भी है। बड़े कम ऐसे खुशकिस्मत, मैं ये समझती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इससे इत्तफाक ना करें, लेकिन बड़े कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर अरसे में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि जब वो दुनिया से जाते हैं तो लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत, मोहसिन पाकिस्तान, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनका बड़ा एहसान है हमें तहफ़ फराहम करने में, हमारी मुल्क की हिफाजत करने में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाने में। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब आज अपने ही वॉज 85 ईयर्स ओल्ड, आज खालिक़े हकीकी से जा मिले और आज सुबह जब उनके इंतकाल की खबर मिली सुनने को तो यकीन जाने बड़ा अफसोस इसलिए हुआ कि मुझे याद पड़ता है कि जब पहली बार ये अटोमिक तजुर्बा हुआ तो आई वॉज़ इन क्लास 8-9 और अकल उकल नहीं होती आप जब आठवीं जमात में होते हैं, नौवीं जमात में होते हैं, लेकिन जब शोर मचा कि भाई पाकिस्तान का नाम बन गया है, एटॉमिक पावर पाकिस्तान बन गई है, तो एकदम से मुझे आज भी याद है कि हम अपने स्कूल के अंदर एक जश्न का समा था, पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था और ये सारा का सारा सहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बहुत सारे बड़े बड़े एजाजात से नवाजा और शायद हम इंसाफ ना कर पाएँ कोई भी एजाज़ उनको दे के, क्योंकि जो उन्होंने काम कर दिखाया है शायद ही कोई ऐसा कोई काम कर दिखाए। उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए शायद हम लगे भी रहें तो वो हम इंसाफ ना कर पाएँ, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए हमने दावत दी है बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब को, जो हिस्टोरियन हैं और जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। सर, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, इस खिताब से उनको नवाजा गया, थोड़ा सा बताइएगा इस टाइटल के बारे में। देखिए जी, जब कोई कौम होती है, कोई मुल्क होता है, कोई धरती होती है और वहाँ पे किसी मुल्क के ऊपर कोई एहसान करना किसी धरती के ऊपर या आने वाली नस्लों को, तो उसको मोहसिन कहते हैं। बेशक जो एक इंडिविजुअल इनफरादी एहसान होता है वो बड़ा महदूद होता है, वो किसी एक इंसान की ज़ात के साथ ताल्लुक होता है उसका, लेकिन जो कौमों की ज़िंदगी, उनके मुस्तकबिल में आने वाली जो नस्लों के साथ ताल्लुक होता है, वो उसको हम हीरो भी कहते हैं और मोहसिन भी कहते हैं। अब्दुल कदीर ख़ान का ताल्लुक इसी कबील के साथ है कि वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के हीरो थे, हमारे ही नहीं बल्कि आने वाले, बल्कि इससे भी मैं आगे बात करूं कि वो आलम इस्लाम के, जो इस्लामी दुनिया है उसके हीरो हैं, क्योंकि जिस वक्त हम, मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो वो जब मुख्तलिफ लोग हमें मिलते थे तो वो कहते थे कि जिस दिन धमाका हुआ है जी, तो जो बांग्लादेश है उसमें भी खुशियाँ मनाई, बेशक और जहाँ भी सऊदी अरेबिया वहाँ भी खुशियाँ, ईरान, जितने भी लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक एटमी ताकत होना, इसकी एक टॉप पॉलिटिक्स में ये आता है, बेशक, और उसमें अगर एक मुसलमान मुल्क का शामिल होना ये बहुत बड़े एजाज की बात थी, और उस एजाज से नवाजा किसने हमें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मैंने उनका एक कॉलम एक दफ़ा पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हुआ कि भी एक साइंसदान के जहन में एक फिलॉसफी कैसे बसती है कि जब उनसे ये उन्होंने एक उकदे को खोला कि भी पहले प्रोग्राम था कि ये जो एटमी प्लांट है ये बलूचिस्तान में किसी महफूज जगह पर लगाया जाए, जहाँ पे जो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो हमारा हमेशा गैर महफूज रहा है इंडिया की जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से, तो इस लिहाज से हमें उसको काउंटर करने के लिए हमें इकदाम करने थे। तो अब आप देखें कि जो कहोटा एटमी प्लांट है वो विद इन मिनट्स के अटैक में है श्रीनगर के, बिल्कुल जो है वहाँ से, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे क्यों बनाया गया, वो रेड अलर्ट हर वक्त रहता है जो कहोटा, इसके बावजूद वहाँ पे क्यों बनाया गया, तो अब्दुल कदीर खान सब ने बताया
कि हमने देखा कि अगर जब हम दुनिया से अपने साइंसदान इकट्ठे करेंगे और अगर बलूचिस्तान के पहाड़ों में किसी दूर जगह पे जाएंगे, एक तो डिसीजन मेकिंग में हमें मसला आएगा। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो एडवाइस लेनी है, कोई अप्रूवल लेनी है, तो हमें ये नहीं होगा कि वहाँ से फिर हमें ट्रैवल करके आना। हमें क्विक सर्विस इस लिहाज से चाहिए कि हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि भी अगर कोई बाहर से लोग डॉक्टर्स वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि उनके बीवी बच्चे कहते हैं कि जी हमें कहाँ पे फेंक दिया गया है, और वहाँ पे उनकी जो ज़ेनी सुकून है वो अगर नहीं होगा तो वो क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से उन्होंने दे सिलेक्टेड दिस प्लेस कि जो कहोटा है कि यहाँ पे हर लिहाज से किसी को ये भी नहीं होगा, दैट इज वेरी क्लोज टू कैपिटल। बिल्कुल सही। तो वो बिल्कुल, और फिर मौसम के लिहाज से, वेदर के लिहाज से दैट इज वेरी गुड प्लेस। तो ये सारी जो प्लानिंग थी तो उसको कबूल किया, और वो हुक्मरान कितने बड़े थे कि जिन्होंने इस चीज को सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद इसको कबूल किया कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कह रहे हैं ये इसी तरह की प्रैक्टिकलिटी होती है। सर, ही वाज सेटल्ड इन हॉलैंड, यूरोप के अंदर वो थे, बिल्कुल सही सेटल थे। अगर वैसे देखा जाए इनफरादी तौर पे, तो एक शख्स अगर सेटल्ड हो कहीं पे, तो उसके लिए शिफ्ट किसी नई जगह पे करना, नई जगह तो नहीं अपना मुल्क, लेकिन जाहिर बात है आप जहाँ पे सेटल्ड हो तो उधर से शिफ्ट करना मुश्किल होता है। वो छोड़ के फिर इधर आए, सेटल्ड हुए, थोड़ा सा इस जज्बे के बारे में। ये बड़े आपने खूबसूरत पॉइंट रेज किया है, और चूँकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, आई हैड बीन इन यूके फॉर स्टडीज, कि जब आप यहाँ से यहाँ पे होते हैं तो आपको दूसरे मुल्क बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की वजह से, फैसिलिटीज की वजह से वो हैं भी अच्छे, लेकिन जहाँ पे जब आप वहाँ पे जाते हैं तो जब आपको उस वक्त याद आता है कि मेरे मुल्क की क्या अहमियत, मेरी धरती की क्या अहमियत, मेरे कल्चर की क्या अहमियत है, उस वक्त पता चलता है। और उस वक्त जब वो खास तौर पर वो ब्रेन जो उनको सर्व कर रहा है, तो उसके जेहन में ये आता है कि जितना मैं यहाँ पे इन मुल्कों को एम्पावर कर रहा हूँ, इनकी जो नस्लों को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने मुल्क को करूँ। और उसको देख लें कि फिर ही वॉज डिस्करेज बाई सम एलिमेंट्स इन पाकिस्तान अगेन एंड अगेन, बट अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू सेटल इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अब मैं, मेरी माँ ने कह दिया है, अब इन एनी केस मैं पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊँगा और उसको सर्व करूँगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे वो याद आया था मुगलों का ज़माना, जब हम देखते हैं कि किला बना है, बिल्कुल, ये जो शाही किला है, कितने वो मेमार जो हैं वो बड़े अजीम होंगे जिन्होंने उस दौर का बनाया हुआ है और ये आज तक कायम है। लेकिन उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कि उन मेमारों को वहाँ पे उस्ताद बना के, डिपार्टमेंट खोल के आने वाली नस्लों को इतना जो है वो बना दे, माहिर बना दे कि वो एक कंटिन्यूटी हो जाए। तो जो अब्दुल कदीर खान की अगर मेरी ज़ात होती तो मैं उनको इस प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि आठ साल में एक मौजज़ा था कि आठ साल में उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया था, और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया था कि हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, जिस वक्त आप हुक्म देंगे विद इन वन वीक हम इसको जो है वो धमाका कर देंगे। तो और ये इतना महफूज उन्होंने दिया था कि एक दोस्त के मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि जो कंसल्टेंसी जो हमारे इतने साइंसदान जो इतने ये टीम इतनी ज़बरदस्त थी कि हम बकायदा चाइना को कंसल्टेंसी देते रहे। अच्छा। तो मेरे ख्याल ये बातें जो है वो बहुत सामने नहीं आई, लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कन बात थी कि उन्होंने कहा हम कंसल्टेंसी, इससे भी वो आगे बात करते हैं कि कंसल्टेंसी हमने कहाँ पे दी, और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोजेक्ट है या एटमी प्लांट है ये दुनिया का सबसे महफूज तरीन है कि ये कभी लीकेज नहीं हुई, कभी वहाँ पे इलाके में कोई इस तरह का पैनिक नहीं, बल्कि जबकि दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनके एटमी प्लांट जो है उनके साथ प्रॉब्लम्स रहे हैं। सही। सो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इतनी बड़ी शख्सियत है, ये उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं कि देन ही वाज डिसिप्लिंड। आपने जिस तरह भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि आठ दिन के अंदर मैं यानी तैयार है प्रोजेक्ट, हाँ बिल आठ उसके अंदर, लेकिन सब इतने डिसिप्लिंड, इतने पंक्चुअल, सो ही वाज फोकस्ड एज वेल, और उनको पता था उन्होंने क्या करना और किस तरीके से करना है। एग्जैक्टली, जो एक शख्स इस जज्बे के साथ आता है कि मैंने आप अपनी धरती को, अपने मुल्क को इज्जत देनी है और उसको दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक उस मुकाम पर लेके जाना है कि आने वाली नस्लें अपने आप को महफूज समझे। क्योंकि आप देखें कि जब हमें अपने ईस्टर्न बॉर्डर से जब मुसलसल थ्रेट्स हैं कि पाकिस्तान को कबूल नहीं किया जा रहा, और जो रीजनल पॉलिटिक्स हैं उसमें जो इंडिया अपनी हेजमनी कायम करने के लिहाज से मुसलसल जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमें डिस्टर्ब और कश्मीर में जुल्म कर रहा है, तो उसके लिहाज से हमें ये ज़रूरी था कि हमारा डिफेंस इतना मजबूत हो कि हमारे दूसरे जो इदारे हैं वो बड़े पीसफुली काम कर सके। तो इस लिहाज से जो एटमी धमाका जब हुआ तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अपने लफ्ज़ थे कि उन्होंने कहा था कि अब
पाकिस्तान की आने वाली नस्लें महफूज हैं। अब सलामती जो है वो अब उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसको डिटेरेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि बेशक आप एटमी बम जो है वो ना गिराएं, इसको जो है वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक डिटेरेंस जो है वो एक डिटेरेंस होती है कि उनको पता है कि इनकी जो दिफा में कैपेबिलिटी इतनी है कि दे कैन स्ट्राइक बैक इफेक्टिवली। एक सिक्योरिटी होती है, एक तहफ्फुज का जो एहसास है, उस वो एहसास शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बड़ी खूबसूरत आपने ये बात की। ख़वातीन उज़्ज़त, पाकिस्तान धरती माँ है और हम बड़ा फैसिनेट करते हैं बाहर के ममालिक को, लेकिन यकीन जाने जो प्यार, जो अपनाइत, जो मान, जो इज़्ज़त आपको इस मुल्क में मिलती है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। वो अपने टैलेंट की वजह से और अपने काम की वजह से, वो जो एक अजीम काम कर गए हैं आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम पीटीवी लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको किचन के सेगमेंट से शुर की आवाज़ आ रही है, ये शेफ़ अनम है इसके पीछे, इनका हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये किस मिशन के तहत ये काम ये किया जा रहा है? मिशन एक्चुअली आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ कुजीन को टचअप करेंगे थोड़ा सा, उसके साथ जो स्नैक में हम बना रहे हैं चिकन डायनामाइट, डायनामाइट ठीक है, और उसके बाद जो मेन कोर्स में है वो हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और चिकन चिली ड्राई। हाँ। और ड्रिंक में आज हम बनाएंगे ऑरेंज मोहितो। एपेटाइजर का जो नाम है ना, मैं इसको डिस्कस करूंगी जो हमारे गेस्ट आने हैं, और जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनको मैं वेट इसलिए नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले माजरत कर ली, वो एक किताब उनके लिए लानी थी वो मैं घर भूल गई, टेबल पे पड़ी है ड्राइंग रूम में मेरे, वो मैंने बात करनी है। बट अगर हम बात करें ख़वातीन उज़्ज़त, जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत हैं, ही इज़ द किंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सैयद नूर साहब को तारुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये कार्ड्स मैं ये इधर रख रही हूँ इसलिए क्योंकि जब सैयद नूर साहब की बात आती है ख़वातीन हज़रात, ही इज़ अ स्टार मेकर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनकी इतनी एक गहरी और तवील कॉन्ट्रीब्यूशन है। कितने ऐसे स्टार्स हैं, बल्कि तकरीबन सारे के सारे अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, स्टार्स बनाने में इनका हाथ। क्या सुपर डुपर हिट मूवीज, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, म्यूजिक की बात करें, ही इज़ डन इट ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई फील ऑनर्ड कि मेरे शो सेकेंड शो में खास तौर पर वक्त निकाला है। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप? माशाल्लाह। आपने डांटना तो नहीं, ऑन एयर डांटने? नहीं डांटना नहीं, अब्बू के सामने डांट। अब्बू के सामने बिल्कुल। हाँ। आप प्लीज बैठिएगा सर, थैंक यू सो मच। ये डायनामाइट कुल चिकन बना, आप बैठे ना, तशरीफ रखें। मुझे समझ नहीं आई इस चिकन की, आप खा के ही बताएंगे तो पता चलेगा। जब ब्लास्ट होगा तब अल्लाह खैर करे। सर थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है उनको भी बुलाऊंगी। क्या खूबसूरत आवाज से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, लेकिन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिल की मालिक हैं। सनम मारवी की अगर बात हम करते हैं तो उम्दगी, प्योरिटी जो है इनकी खासियत है। एंड आज अगेन आई एम फीलिंग लकी कि मेरे सेकंड शो में मेरी मेहमान बन के, मेहमान नहीं हमारी फैमिली मेंबर ही हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली सनम मारवी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। प्लीज तशरीफ रखिएगा, दूर दूर से असल में मिलना है ना आप, तो वो बड़ा मुश्किल है। कैसी हैं आप? जी ठीक हूं, आप ठीक? प्लीज बैठिएगा, हसीन और खूबसूरत हमेशा की तरह। जी आप भी बहुत खूबसूरत। शाह जी आवाज इतनी खूबसूरत, पावरफुल आवाज है ना, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैंने तो इस्तेमाल की है आवाज। हां अच्छा, कौन सी फिल्म है सर? मेरी फिल्मों में भाई वांटेड में है, एक और फिल्म है जिसमें मैंने इनके गाने लिए। अच्छा ये जी, अच्छा मैंने फिर बात करनी है इनके काम के बारे में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो आंख है ना वो बेहतर बता सकती है कि इनके हवाले से कान है। अच्छा कान। और आंख किसके बारे में है? वो घर बैठी है। अच्छा हाँ, मैं वही कहने लगी थी, जरा सोच समझ के नाम। अच्छा उस पर भी बात करनी है कि आप अकेले जो आ जाते हैं ना और फिर आप लहराते हुए आते हैं अकेले जब आते हैं, तो मेरे ख्याल में जो लहराना होता है इसीलिए अकेले आते हैं, है ना?
ये पॉज करें इसके ऊपर जरा बात अभी नहीं, मुस्कुराना भी तो है साहब। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी बबली, और जल्दी से उनको बुलाएंगे। और आप इनको देख रहे हैं, अपना शो होस्ट कर रही हैं, एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, इंस्टा के ऊपर जो इनकी पिक्चर्स हम देखते हैं और पसंद करते हैं, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही बबली मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज दूर दूर से मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी था, प्लीज बहुत शुक्रिया, हसीन और खूबसूरत। अच्छा जी, अब वो ये है सिलसिला कि जो मेरे चौथे मेहमान हैं, मैं सोच रही थी कि मैं पांचवें नंबर पे उनको बुलाऊं, लेकिन चौथे पे किसी को नहीं बुलाती, लेकिन अब चार ही गेस्ट हैं तो चौथे पे बुलाना पड़ेगा, बड़े मजाइया से है ना, तो घर में ये मजाक इनका नहीं चलता है, तो भाई इधर ही चलता है, घर से बाहर जरूर चलता है, घर में नहीं इनका चलता, घर में जिसकी चलती है उनसे जानेंगे, उनकी जबानी, बट वेरी टैलेंटेड। और मैंने इंस्टा पेज पर अपने लगाई तो वो बहुत सारे पोस्ट और सवाल इनके लिए आए, तो हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड अहमद अब्दुलरहमान। एक सेकंड, एक सेकंड, ये आपकी, ये क्या है, ये आपने जो इंट्रो कराया है मेरा, घर के राज खोल दिया आपने, ये जो आप कांगड़ी पहलवान बन के आ रहे हैं, ये मैं जरा देखना, सर ये जरा इनकी एंट्री, इधर से आए, एंट्री म्यूजिक बजाएं, और अब जरा इनकी एंट्री शाजी देखिएगा, हाँ अब आए, अच्छा अब आप घर में एंटर हो रहे हैं रात 12 बजे लेट, फोन 2 घंटे ऑफ था, बेगम बैठी हुई है ऐसे दरवाजे की चौखट पे, अब आप कैसे आएंगे, म्यूजिक बजेगा, इधर से आए, दीवार का है जिसे टापना, वो बताया ना मैंने, इधर से ही आए, समझे, नहीं आएंगे, हाँ चले जी म्यूजिक बजाएं, और म्यूजिक भी उस हिसाब से बजाइएगा, दुख होना चाहिए उसमें, उतना नहीं करूंगा जितना घर में करता हूँ, लेकिन तुम्हें अंदाजा हो जाएगा आपको जी। आपने गिफ्ट लाया उसको, प्लीज तशरीफ रखिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खवातीन औज़ात, आप सवालात कर सकते हैं, आपके फेवरेट आपके अपने मौजूद हैं शाह जी, सब एक अगर अंदाज़ा हम लगाएं, कितने लोगों को आप स्टार्स बना चुके हैं, कभी सोचा? जी खासे लोग हैं, तो गिन के बताऊँ वैसे मैं सीरियसली, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, ये बल्कि मोहसिन साहब भी मुझसे बात कर रहे थे इस हवाले से, कि जिनको दोबारा स्टार बनाया, यानी स्टार थे लेकिन वो काम करना छोड़ दिया, फिर दोबारा से आप लेके आए, मेरे ख्याल में शान उनमें से, साइमा शान दोनों, साइमा और शान दोनों, दोनों दोनों का कमबैक हुआ था वो फिल्म घूंघट में, घूंघट में, तो इंट्रोड्यूस भी कराए बहुत सारे, जैसे इरम हसन, सलीम शेख, कसम में, जीवा में बाबर अली एंड रेशम, उसके बाद सरगम में अदनान समी एंड ज़ेबा बख्तियार, और फिर घूंघट आ जाती है जिसमें अरबाज खान और अंदलीप, और कोई रह गया है, कोई रह गया, फिर वो हवाएं में साऊद, हवाएं में साऊद, लो जी, और उसमें क्या नाम है, दीवाने तेरे प्यार के, जिया मोहम्मद राना, जिया जिया का लाइन भी थी आपके जिक्र, एंड मोहम्मद राना, और ऐसे ऐसे आपने लोगों को स्टार्स बनाया कि जिनका वरना लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो फिल्म्स में आएंगे, ये नहीं कि वो टैलेंटेड अच्छा, नहीं, वो तो ऑब्वियसली, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि उनकी वजह से मेरी इज्जत बन गई, वो थे ही स्टार माशाल्लाह, वो टैलेंटेड सब थे, सर ये आपका बड़ापन है, क्लैप होनी चाहिए इस पे, बड़े लोग, ये आपका बड़ापन है, ये रखना चाहिए बड़ापन, और फिर ही आपको इज्जत मिलती है, देखे लोग बात कर देते हैं लेकिन बात सुननी चाहिए। अच्छा एक मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी फिर बाकी गेस्ट की तरफ, लेकिन मुझे पता है कि आप देंगे इसका जवाब सही जी, सही जी, जी। बहुत सारे लोगों को स्टार्स बनाए वो तो हो गया, स्टार बनने के बाद बड़े कम लोग होते हैं जिनमें वो ज़र्फ रहता है कि जिनको इज्जत शोहरत मिल जाए तो वो जो रवैये हैं उनमें तब्दीली नहीं आती, कितनों के, बेशक नाम नहीं लें आप, लेकिन कितनों के रवैयों में तब्दीली आपने महसूस की? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए, ना कि आप दूसरों का ज़र्फ देखें, तवक्कुआत रखनी नहीं चाहिए, जब आप कोई काम कर रहे हो तो देखिए ये आपकी हेल्प हो रही होती है, अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करता है स्क्रीन के ऊपर तो आपका सीन सजता है, आपकी फिल्म सजती है, आपका काम सजता है, मैं तो इस हिसाब से देखता हूँ, वरना तो बहुत लोग आंख नहीं मिलाते, लोग फोन सुनना और फोन करना गवारा नहीं करते, ये उनकी बदकिस्मती है कि आपका फोन ना सुने। सर सनम मारवी साहिबा को आपने लिया फिल्म के अंदर, आवाज तो है ही खूबसूरत, लेकिन व्हाट वाज द वन थिंग
जो जो सैयद नूर साहब ने देखी सुनी और क्लिक की और कहा कि नहीं ये फिल्म मिली? देखिए मैं एक मशहूर जो कलाम है, चार चिराग थे बलन हमेशा, जी जी जी, बहुत सिंगर थी, बहुत मुस्लिम, मैंने सिंगर भी बड़े इंट्रोड्यूस कराए मुझे, जिसमें अरशद महमूद हैं, उनको पहली बार मैंने गवाया फिल्म में, फिर साइमा जहां अच्छा ओके, अज़रा जहां ने बहुत गाया, वारिस बेग, अरे सारे मैंने गाने, फिर सारा नसीम, हां ओ यस, ये सब हम टीम थे, लेकिन टीम का मतलब ये नहीं कि एक चीज मेरे ज़हन में जो आ रही है और मैं समझ रहा हूँ कि उनसे बेहतर कोई और होना चाहिए या इस कलाम के लिए कौन बेहतर है, ये सिलेक्शन ही डायरेक्टर करता है और डायरेक्टर का यही एक फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ के साथ है। तो वो फिर मैंने इनको इनको मैंने बुलाया था और इन्होंने जितना खूबसूरत वो गाया, एटीट्यूड में और सारा वो। सनम मैं तो खैर मेरी तो बहुत प्यारी है, लेकिन सनम आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा कैसा रहा शाहजी के साथ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम ठीक हमारे है पाकिस्तान का बेशक, और मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया तो मेरे लिए एक बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं क्या करूँगी, काम कैसे करूँगी। पर वहाँ पर जब आपके स्टूडियो में मैं वहाँ पर आई तो बहुत अच्छा सबने मुझे रिस्पॉन्स दिया और बड़ा अच्छा लगा। देखिए ऐसा भी मौके आए हैं कि बड़े बड़े सिंगर जो हैं एक फिल्म में दो दो तीन तीन और एक ही हीरो एक है, आवाजें तीन थी। ऐसा हुआ है, मेहदी हसन साहब भी गा रहे हैं, अहमद रशीद साहब भी गा रहे हैं, वहीद मुराद साहब भी, एक ही फिल्म में हीरो की आवाज़ होती है, लेकिन वो गाने इतने अच्छे होते थे कि मतलब महसूस नहीं होता था कि आवाज़ें मुख्तलिफ। अच्छा मायरा मुझे याद है, अगर हम सब अहमद अब्दुलरहमान साहब, आप तो मेरे ख्याल में तब 80s के दौर में कोई 50-60 साल के तो होंगे, हैं? लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब पैदा भी ना हुए 80 के जमाने में। मैं छोटा था, मुझे याद नहीं इतना है, 80s में थे आप। हाँ। चलो शुक्रिया। लेकिन जब वहीद मुराद साहब की बात करें, नदीम साहब की बात करें, सारी आवाजें सूट करती थी उनपे, ये कैसी बात है? बिल्कुल सूट करती थी। मोहम्मद अली साहब की प्लेबैक ज्यादा मेहदी हसन साहब ने किया, वो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब उन्होंने अपनी फिल्म्स बनाई, हाँ। जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने डायरेक्ट की थी, आग और जैसे जानते नहीं, एस सुलेमान साहब, एस सुलेमान साहब ने, तो उसमें अहमद रशीद साहब ने गाने गाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कमाल। अच्छा एकदम से नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, बिल्कुल है, सारी जो फिल्में ना ऐसे आंखों के सामने आना शुरू हो जाती है। आपका कोई प्लान फिल्म्स के लिए भी काम करना सारा, थोड़ा सा बता। आपने होस्टिंग की तरफ ज्यादा रुझान कर अभी दिया, तो रिसेंटली अभी जरा ताज़ा आई हूँ होस्टिंग में, तो अभी फिलहाल उसको टाइम दूंगी, लेकिन बिल्कुल इरादा है कोई अच्छा काम मिले, कोई अच्छी ऑफर हो तो जरूर। शाह जी बैठे इनको हम थोड़ी सी जरा, अच्छा वो अच्छा काम कह रहे हैं ना, तो अभी मेरे पे अच्छा क्लोजअप ही है, मैं स्टार मेकर है ना, तो मैंने कहा जरा हमें भी थोड़ा सा। भाई ना बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह, मैं बल्कि इसको मैं भी कह रहा था, मैंने कहा ये कॉमेडी कर रहे हो ठीक है, सिटकॉम टाइप, आप कोई सीरियल करो अच्छी जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, कोई फिल्म करें जिसमें, क्योंकि जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे आप अलग नहीं हो सकते। शाहजी मैं तो तैयार बैठी हूँ, ये बुलाते ही। अच्छा लेकिन वैसे मायरा अपने सीरियल्स, मुझे जो मैंने इनके शुरू में अपने किए हैं, मैं बहुत किया सीरियस काम, बहुत किया बहुत सीरियस, और इनफैक्ट पीटीवी पे ही मैंने बहुत ज्यादा काम किया, रंगीलपुर उस्मान पीरजादा साहब के साथ मैंने, और उसका सॉन्ग मैंने किया था, बिल्कुल आपने किया, क्या कमाल था वो। ओहो तो आप किधर थे बीच में? देख रहा था, ये 80s की बात नहीं, बाय द वे मैंने तो इनको जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें मैंने देखा था, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, आई वाज इन ज्यूरी स्टूडेंट्स की जो होते हैं प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसमें मैंने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, और अच्छा है, इन्होंने एक ही पैटर्न अपना कॉमेडी का जो किया हुआ है उस पे रहना चाहिए, स्टैंड रहना चाहिए। इनकी अच्छी बात है कि लिखते भी हैं, हाँ। तो सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत कम लोगों में ये खासियत होती है कि वो लिख भी सकते हैं। हाँ। और मजे की बात है कि आपका जो स्टाइल है ना दैट इज टोटली डिफरेंट, आपका एक अपना अंदाज है, वो जुगत भी नहीं होती, वो बड़ी नेचुरल होती है, इंस्पिरेशन कहीं से ली, किसी को देखा? लाइफ जो है वही
इंस्पिरेशन है असल में। ये लिखना बड़ी अच्छी बात है। मैं मुझे याद है जब रंगीला साहब और मुनव्वर अजीज साहब ये नई नई जोड़ी बनी तो नए नए ये हिट हो रहे थे फिल्मों में तो ये इम्प्रोवाइज करते थे बहुत ज्यादा सीन को तो हम भी असिस्टेंट थे हम देखते थे कि ये कोने में दोनों बैठे हुए हैं कि मैं कहूँगा तू है कहना मैं कहूँगा तू है कहना और इतने सीरियस अंदाज में और इतने डेडिकेशन के साथ और जब वो कैमरे के सामने आके परफॉर्म करते थे तो सिर्फ सेट भी अच्छा नहीं लगता था फिल्म में भी अच्छा लगता था। तो ये बहुत ज़रूरी है इम्प्रोवाइज करना ख़ास तौर पर कॉमेडियन को जो डेफिनेटली आप करते होंगे वो जो आप लिखते हैं वो इम्प्रोवाइज करना ही होता है। हालांकि वैसे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स या राइटर्स खास तौर पे वो पसंद नहीं करते कि एक लफ्ज़ जबर जेर का भी जो है मार्जिन नहीं होना चाहिए। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मुझे याद आ गए दो तीन लोग याद आ गए। ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। देखिए क्या फिलॉसफी इसके पीछे क्या है मैं बताऊँ आई डोंट नो क्या है लेकिन जबकि आप जो राइटर मैंने 250-300 फिल्में लिखी हैं मैंने कभी किसी एक्टर को नहीं कहा कि जो मैंने लिखा है वो हदीस है नहीं। देखिए एक्टर अपना फ्लो बनाने के लिए उसमें से कुछ लफ्ज निकाल देता है कुछ लफ्ज डाल देता है उसका हक है वरना उसकी फ्लो नहीं बनेगी नहीं बनेगी बिल्कुल ऐसे वो जो कंफर्ट लेवल जो उसको चाहिए वो बनेगा नहीं आप स्टिक नहीं कर सकते कंप्यूटर तो नहीं है ना एक्टर के आपने उसको फीड कर दिया उसने वही बोल देना है अपनी भी पर्सनालिटी उसके अंदर लेके आता है कैरेक्टर बनाता है बिल्कुल। तो आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो आप जब लिख रहे होते हो कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ कि चेंज करने की बात कीजिए वो फिर ये भी तो होता है ना अगर मैं बिल्कुल उस राइटर के पर्सपेक्टिव से देखूं कि यार वो मतलब या मफहूम बात का वो ना चेंज हो जाए। ये मसला होता है कि आपने एक चीज लिखी होती है अगला एक्टर जो उसको वो समझ नहीं रहा होता तो उस पर भी तकलीफ भी होती है कि मैंने एक जोक लिखा या एक लाइन लिखी है उसका एक मतलब है तो वो सही अदा नहीं हो रहा तो इसलिए वो मैं समझ सकता हूँ कि वो कहते हैं कि जेर जबर भी ठीक होना चाहिए लेकिन ये कि एक्टर को भी हल्का फुल्का मुआवजा देना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों ने देखना है स्क्रीन पे एक्टर आ रहा है कि इसने इसको पता था ये बात सही नहीं तो इसने बोली क्यों है बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा इसको खुद भी थोड़ा सा उसमें इंप्रोवाइज कर लेना चाहिए तो आई थिंक थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। इसी तरह प्रोसेस ही होता है कि एक राइटर चीज लिखता है फिर डायरेक्टर डायरेक्ट करता है उससे बेहतर करने की कोशिश करता है फिर एक्टर परफॉर्म करता है तो वही चीज निकल के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सनम जिस आप भी कलाम जब पेश करना होता है तो वो फिर तलफ्फुज का और हर चीज का मैं भी उनके खवातीन से प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी सनम के मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं रिहर्सल्स चल रही होती हैं आप जितना मर्जी आपने आप में सीनियोरिटी आ जाए मैच्योरिटी आ जाए रिहर्सल करना जरूरी है अगर आप अपने को परफेक्ट समझ लें आपका भी तो जो काम है बड़ा मुश्किल काम है। जी जी बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो कि मैं अब नहीं करती पर मैंने बहुत कर लिया है तो अब थोड़ा सा ब्रेक भी देती पर आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हर रोज प्रैक्टिस करें आवाज की। बिल्कुल सही आपने क्लासिकल भी सीखा उस्ताद जी उस्ताद फतेह अली खान साहब से उसके उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा कैसा लगा। बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे सिंध में पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है उस्ताद फतेह अली खान हैदराबादी ग्वालियर तो एक तो हम में मेरे फादर ऑलरेडी इस फील्ड से हैं ठीक है और वो सूफीज्म पे बच्चों को सिखाते हैं अब मुझे था क्लासिकल भी सीखूँ तो अब्बा ने कहा कि उस्ताद फतेह अली खान से आप सीखें। बहुत मुश्किल था उनसे सीखना क्योंकि वो इतने गुस्से वाले हैं मैंने पहली मरतबा ऐसा उस्ताद देखा है कि बोलने से मतलब आपको डर लग रहा है तो पहले दिन तो मेरा ये हुआ कि मैं पहले दिन जब उनके घर पे गई तो उन्होंने कहा जाओ और पोचा लेकर आओ। अच्छा मैंने कहा मुझे अब मैं तो खुद एक बहुत बड़े मेरे अब्बा जो हैं बहुत बड़े उस्ताद हैं हमारे तो सामने खुद स्टूडेंट्स बेचारे तो मैंने कहा मैं कहा हाँ तुम मैं जाकर पोछा लेकर आई पूरे घर को मैंने सफाई किया पूरा उन्होंने कोई मुझे ना जवाब दिया ना ओके अच्छा। कहा काफी टाइम तक यकीन माने मुझे लग रहा था कि मुझे अब्बू वालों ने यहाँ पर काम के लिए छोड़ा हुआ है और फिर जाकर मुझे थोड़ा थोड़ा उन्होंने सिखाना शुरू किया कभी कुछ कभी मालकोस में कुछ बता दिया कभी भोपाली में बता दिया कभी कुछ फिर तो अब मैं सोचती हूँ कि सीखना बहुत मुश्किल है पर आजकल जबकि आर्टिस्टों को मैं देखती हूँ कि मैं दो दिन में उनको देख रही हूँ सीख रहे हैं और चौथे दिन वो सिंगर बन जाते हैं और पांचवे दिन हिट भी हो गई हिट हो जाते हैं अच्छा। हिट भी हो गई छठे दिन घर भी बैठ गए वापस बहुत ऐसे ही है ट्रू बहुत टाइम लग जाता है बहुत टाइम लगता है ये बड़ा अभी तक हम प्रोसेस में सीख रहे हैं अभी तक और कोई भी काम आपने जिंदगी का करना है बड़ी आपको घर बैठे आसान है कि जी लाइम लाइट में आप हो ग्लैमर की दुनिया उसके पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बंदा परेशान हो जाए। सर मुझे ये जरूर सब बताइएगा फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले डायरेक्शन करने से पहले लिखने से पहले इंसान ऑब्वियसली फैसिनेट करता है फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस को फिर असल जिंदगी में जब मिले तो उस दौर में किस किस को फैसिनेट किया और कैसा पाया उन सब एक्ट्रेसेस को अगर हम बात करें। देखिए मुझे याद है जब हम लड़कपन में थे और
मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। अभी तक है वैसे। बेगम को कोई मैसेज देना चाहिए? उसको मालूम है कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है और उसी के लिए है। वेरी गुड। कवर करने तो अच्छा, अभी तो आपने चाल चली है, मैं आपको चाल चल के बताता था। ये तो करवाएं आप जरा, ये तो करवाएं। शट अप। देखें मैं बताऊं, जब लड़कपन में थे ना तो मेरे दो नए नदीम साहब की फिल्म रिलीज हुई चिकोरी। ठीक है। चिकोरी रिलीज हुई तो लड़कों ने देखी वेखी तो मुझे कहा यार वो तुम्हारी शक्ल उससे बड़ी मिलती है, नदीम साहब से। नदीम साहब से बिल्कुल। तो मैं भी देखने के लिए गया चिकोरी, मुझे याद है नाज सिनेमा में रिलीज हुई थी, ये 66 की बात है। अच्छा, ओके। 66 की। ठीक है। तो देखी तो मुझे नहीं लगा कि मैं मेरी कोई शक्ल मिलती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुझे कभी कभी जब शीशा देखना तो मुझे फील होना शुरू हुआ, हाँ यार कोई आंखें थोड़ी सी मिलती हैं, थोड़ी सी हंसी मिलती है। तो नदीम साहब अच्छे लगने लगे। बिल्कुल सही। तो मैं उस जमाने में पढ़ रहा था फिर जब कॉलेज में, तो साथ में मैं जर्नलिज्म करता था। ठीक है। तो मुझे बीट मिली कि जी स्टूडियो का राउंड करना है, ये उस पर लिख रहा है डायरी। मैं स्टूडियो आया अपने स्टूडियो, तो वहाँ इत्तफाक से मैंने नदीम साहब को देखा कि नदीम साहब एक तरफ रानी मैडम और एक तरफ मैडम शमी मारा दोनों, और बीच में नदीम साहब चल के जा रहे हैं। तो पहली बार मैंने उनको वहाँ देखा। हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मेरे जैसे ही है। हाँ, कोई ख़ास फर्क नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उनके लिए फिल्में लिखी। बिल्कुल, वाह। उनके लिए फिल्में लिखी, दोस्ती हो गई, घरों में आना जाना हो गया। तो जब घरों में आना जाना हुआ तो फिर मैं अक्सर, आपने जो बात की, मैं फ्लैशबैक में जाता था। हाँ। कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था, गरीब मोहल्ला गरीब घर, और वहाँ मुझे लड़के कह रहे हैं कि तुम्हारी नदीम से। हाँ। तो आज मुझे मेरे सामने बैठे हैं आज वो, तो जो स्टार्स होते हैं। हाँ। उनके लिए चाहे किसी भी इंसान प्रोफेशन से है, वो उनको जरूर फैसिनेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे अभी ये कह रही थी कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं स्टार मेकर हूँ। थोड़ा सा किया नहीं, वो कब किया ये मुझे, ये मेरी नॉलेज में क्यों नहीं, आपको पता है इसकी मेरी से। हाँ, मैंने आपको पैसे देने हैं, आपने मुझे देने होंगे, हमने तो वो शर्त लगाई नहीं थी ना। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, वाकई में हम आपस में कर रहे थे। आपने काम किया है ना फिल्म? हाँ जी किया। कौन सी फिल्म प्लीज बताइएगा, क्योंकि जरूर रिपीट करवाना। अच्छा नहीं, अल्लाह उसमें ऐसा क्या था? था तो अच्छा ही था, तो अच्छा। वो फिल्म थी जुदाई। अच्छा, ओके। जुदाई किससे जुदाई हुई? जुदाई अल्लाह उसने भी नहीं छोड़ना। जुदाई मेरी हुई माँ बाप से। माँ बाप से कौन से सन की? ये मेरे ख्याल 80s में था। 80s में था, but that was only there. उसकी बाद में कॉपी बनी इंडिया में बागवान। अच्छा, ओके, उस तर्ज की। ओके ओके। उसमें जो सलमान खान ने रोल किया था वो मैंने किया। अरे वाह भाई, इकबाल भाई, एमी आप अनम बजा दे हो। आपने सुना? बजा ले, कोई होना चाहिए तो इसके ऊपर। तो सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आप डायनामाइट वो बनाती रहे, चिकन है मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया का दौर है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, आप कैसे क्या फील करते हो कि सोशल मीडिया से आउट ऑफ टच नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब मैं ये देखती हूं बहुत ज्यादा रुझान हो गया पिछले 2-3 सालों में, एकदम से भरमार हुई है इंस्टाग्राम अकाउंट्स की, पिक्चर्स की। मैं चैनल बना, मेरे ने यूट्यूब चैनल बनाया है, इनफैक्ट बड़ा मैं उस पे पैसे लगा रही हूं, प्रोडक्शन हो रही है बाकायदा, उस पे मैं शोज कर रही हूं सेलेब्स के साथ। एक्सीलेंट। लुक लाइक्स जैसे होते हैं, कॉमेडी होती है, स्किट्स होते हैं, वो कर रही हूं, प्रॉपर काम कर रही हूं उस पे। प्लस उसके अलावा अपना जो सोशल मीडिया वो देखती हूँ, सारा खुद देखती हूँ। ये बड़ा मुश्किल, बड़ा जरूरी हो गया। इनफैक्ट मैंने 2-3 जगहों पे देखा, ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है जो लोग जिनको काम आता है उनके साथ, कि अब ये देखा जाता है कि जी इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो उस बेस पे आपको काम दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है मेरे ख्याल से, जो जितने टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अब्दुलरहमान आप भी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं है?
क्यों नहीं? बड़ा बड़ा काम है ये, पता नहीं लोग कल इनफैक्ट मैंने टैग किया तो ये इन्होंने जो है आगे से इसको रीपोस्ट कर दिया था, डेढ़ महीने बाद, कोई सालों बाद, इतने सुस्त हैं आप के रीपोस्ट किया खुद से, नहीं कोई नई पोस्ट बनाई, मतलब मैं इंतजार करता हूं कि पोस्ट करे तो मैं बटन दबाऊंगा नहीं, लेकिन बट डोंट यू थिंक इट इज द नीड ऑफ टाइम के होना चाहिए, बिल्कुल है, ये मेरी कोताही है, मैं जमाने को बुरा नहीं कहूंगा, करना चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा, हां क्योंकि अपने आप को तो बुरा कहो बेगम से आखिरी दफा डांट कब पड़ी थी? सच सच बताइए आज, वो भी मैं मैसेज देखूंगा तो फ्रेश आई होगी एक डांट, ये ऐसे तो नहीं चल के आते तुम, हाँ ये गलत चल के आए हो, मुझे बदनाम कर रहे हो सनम, आपने भी तो यूट्यूब चैनल का सोचा हुआ है और सोशल मीडिया पे भी आप भी ज्यादा इन नहीं है, बल्कि मुझे ये मेकअप रूम में बताई थी खबर तीनों, इनकी बेटी माशाल्लाह ज्यादा समझदार है और वो ज्यादा डूज एंड डोंट्स जानती है, तो आपका क्या इरादा है, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ टाइम। अच्छा सुंदर, ये है कि कोई दो साल पहले मेरी मैनेजमेंट जो है वो रिजवान अहमद, उन्होंने मुझे मैनेज करना शुरू किया, और यकीन माने कि वो जब मुझे मैनेज करना शुरू किया तो मुझे कहने लगे कौन आपको अब तक मैनेज करते रहे, ना आपका यूट्यूब चैनल है ना आपका पेज जो है वो वेरीफाइड है, आप कैसे काम करती रही हैं। अब फाइनली दो साल में एक तो हमने काम करना अपना कंटेंट, मुझे मैं पहले ये था कि मेरे अब्बा और आबिदा बीबी साथ ही सीखें एक ही उस्ताद से, तो वो जो सीखे वो मैंने मेरे अब्बा से सीखी, तो वही कलाम मैं लेकर आ रही थी जो मैं, पर अब रिजवान ने और हमने अपना कलाम अपनी कंपोजिशन हमने स्टार्ट किया, और अब मैं आपको सुनाने वाली भी हूँ। बिल्कुल सही, तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा, बल्कि पहला आपसे हम कलाम सुनते हैं ख़वातीन उज़ात, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके कुछ मैसेजेस कोई सवालात करना चाहें, फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अस्सलाम क्यों किया, दोबारा से चलें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो फोन पे बात हो रही थी तो सलाम जैन अच्छा सर मेरा ये बड़ा मसला है, नहीं जरूरी है बार बार करें सलाम, ठीक है ना, अच्छी बात है ना, हाँ दोबारा से जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इकबाल भाई? अच्छा जी है मुस्कुराहट आपकी वैसी की वैसी है भाई, इंशाल्लाह। अच्छा जी कुछ एक्टिविटीज करनी है शाजी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम हो जाए कि नहीं? बिल्कुल कराएं जी, तो ये तो कुछ खा के भी नहीं आए, कर ले यार आप कहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं वो आपको मुझे लगता है अभी इससे मुझे कहा था मैंने खाना नहीं खाया अनम कहाँ तक मामला पहुंचे? बिल्कुल सुंदर, जो हमारा डायनामिक चिकन है वो रेडी हो गया है, ले आऊं मैं? आ जाए, बिल्कुल आ जाए, और ड्रिंक अच्छा, जो है मैं शाजी के लिए खुद ले आती हूँ सर, आप थोड़ा सा लाइएगा, मैं चिकन नहीं खाता ऐसे, थोड़ा सा। साइमा जी ने घर में कुछ पकाया हुआ होगा आज, क्या बनाया? क्या बनाया? जाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है आपके लिए लेके आते हैं, अनम आप भी आ जाए। अच्छा अनम आप बताती जाए रेसिपी साथ साथ। जी जी, सिंपल चिकन डायनामाइट है, आपको पता है आप इसको प्रॉन्स में भी सी फूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉन्स के साथ मिलके, और अगर आप चाहें तो आप इसको व्हाइट मीट मतलब चिकन के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो सिंपल रेसिपी है, सिर्फ मैंने सॉल्ट ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर से इसको मैरिनेट किया था, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड की थी, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको मैदा लगाकर इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी सॉस रेडी की थी जिसमें सिंपल मायोनीज थी, केचप, इसके साथ इसकी जो है सॉस को रेडी किया, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर, ठीक सिंपल है। उसके बाद जब हमारा चिकन फ्राई हो गया उसके बाद मैंने उसकी कोट की, ठीक है, और इसको सर्व कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे मैं खाने लगी हूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूं, एक सेकंड आ जाए, मैं काउंटर के उस पार आ रही हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, एक सेकंड, हां ये वाली सारी चीजें क्यों, ये मेरी नेक्स्ट रेसिपी, इधर आ जाए अब्दुर्रहमान, इधर आ जाए मायरा, आप इधर आ जाए। अच्छा जी, अच्छा और शाहजी के लिए भी, सईद नूर साहब के लिए कुछ डाल प्लेट में, हम चले जाते हैं उधर, नहीं क्यों आपने क्यों जाना है इधर आए? अच्छा अब्दुर्रहमान मुझे ये बताइएगा कि आपके घर का किचन एंटर होते साथ किस डायरेक्शन पे, लेफ्ट पे के राइट के? क्या चीज़? ये पकाना है? नहीं है, आदत पड़ी हुई है किचन में आता हूँ तो हाथ चल पड़ता है। आपका किचन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, शाजी को दीजिएगा, ये राइट साइड पे घर के, ये बताइएगा, सामने रखा हुआ हमने कि कंफ्यूजन ना हो, सीधा आए और किचन में, बिल्कुल सही, लास्ट टाइम कब गए थे किचन में? कम करो अभी बर्तन धो के यार, सबसे बेहतरीन डिश क्या बनाती है?
मैं दाल चावल। दाल चावल, हाँ मैंने सुना है आपके हाथ के दाल चावल बहुत मजे के हैं। अनम किसी दिन मेरे ख्याल में इनको भी मुकाबले पे, हाँ ना मजा आएगा। अब बेस्ट होगा साथ, आप मुझे मुझे वहाँ पे बिठाएगा, ये भी बात है, उधर बैठना है, आ जाए आ जाए। अच्छा मैंने ये प्रॉन्स खाए हैं लेकिन चिकन में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुने की प्लेट खा लिया, कह रहा है बहुत मजे के बने हुए, मैंने कहा आपके तो प्लेट। अच्छा ड्रिंक्स भी, अच्छा ऑरेंज है मोहितो हमने बनाया है, सिंपल ऑरेंज जूस है इसमें और थोड़ा सा फ्लेवर्ड ऑरेंज पाउडर जो होता है वो इसमें ऐड किया, ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड किया है और मिंट का थोड़ा सा इसमें एक पिंच ऐड किया है जो इसको फ्लेवर को बेसिकली एनहांस करता है। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट जी, आ जाइएगा साथ साथ बैठ जाइए, बहुत अच्छा। अच्छा जी ये मैं सैयद नूर साहब के लिए भी ले जाऊं? जरूर जरूर आ जाइएगा सनम। खवातीन हज़रत हमारा जो प्रोग्राम है ना ये अभी मैंने बाद में खाने शो के बाद, बहुत शुक्रिया सब बैठे ना आ जाइएगा प्लीज। खवातीन हज़रत हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका हमने फॉर्मेट ऐसा रखा है, खा भी सकती हैं, दिल तो नहीं कर रहा कि आ जाए ना सना, आ जाए जी, हमारा ने रख दिया तो मैंने भी रख दी प्लेट, नहीं कुछ नहीं होता कि हम चाहते हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिया जाए कि आपको फील ना हो कि लाइव प्रोग्रामिंग हो रही है, हम इधर से उधर भी चले जाए, थोड़ा सा रख लेना हमने बाद में खाना है। हाँ अच्छा इतना पसंद आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ, बात भी नहीं करने को ही दे रहा, बेस्ट बात है ना। आपने क्या डाला है इसके अंदर, आए बहुत मजेगा अब्दुलरहमान, ये आपको मिल जाएगा ये आज, अच्छा आज ही नहीं खत्म कर सकते अब्दुलरहमान, ये चीटेंगे हम, मेरी अहमद को तो खाने दें प्लीज, मेरी बेगम के लिए भी पैक कर दीजिएगा। अच्छा हमने पूरे खा, अच्छा बिल्कुल पड़ोसी आपके कोई उनके बच्चे हैं वो भी बता दें, अच्छा भाई यही सब, कैसा है सर? बहुत मजे का, मजे का है, मैं वेजिटेरियन हूँ ठीक है तो चिकन खा रहा हूँ, वो पूछ रहा है तुम तो मुझे खाते नहीं आज क्यों खा रहे हो, धोखा हो गया चिकन के साथ। गुड बॉल, बिल्कुल सही। अच्छा जब तक ये जल्दी से हमारे मेहमान जो हैं थोड़ा सा एपेटाइजर खा लें, फिर हमने एक्टिविटी की तरफ भी बढ़ना है। अनम कुछ और चीज आपने ऐड करनी है क्विकली बता दीजिएगा। डायनामाइट चिकन के अंदर सिंपल मैं आपको ये बता रही थी कि उसकी कोटिंग मैंने रेडी की थी ऐसे मैदे के साथ, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था सिर्फ कोटिंग के लिए, सिंपल सॉस रेडी की थी, मायोनीज थी उसके अंदर, उसमें केचप थी, थोड़ी सीजनिंग के लिए मैंने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था और ब्लैक पेपर ऐड की थी। सिंपल जब चिकन आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद उसको टॉस करना है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तब ही आपने उसमें सॉस को टॉस करना है, अदर देन जो चिकन की कोटिंग है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, एंड इट लुक्स डिलीशियस। मैं अभी खा नहीं सकती, मैं आराम से खाऊंगी। अच्छा जी अब हो गया खाना पीना, अब सर थोड़ी एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं खड़ी हो रही हूँ ताकि मुझे सीरियस लिया जाए, वरना मैं बैठी रहूँ तो मेरी एक्टिविटी को सीरियस नहीं लिया जाता। अब मैं हो रही हूँ खड़ी, शाबाश, अल्लाह की कसम आपको हम सीरियसली ले रहे हैं। नहीं कसम खाने की, ओए लो इतना घर में नहीं कोई सीरियस लेता ना, तो वो जरूरी है जरा। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, रिलेट करते हैं, आप हमें सीरियस ले रही सर, बाद में बात करेंगे, अभी फंबलिंग हो जाएगी। अच्छा जी ये एक बोर्ड है, प्लीज आइएगा मायरा, पहले आप आइएगा और अब्दुलरहमान आप आइएगा। होगा कुछ यूं कि ये बोर्ड पे हमने करना ये है कि आपको मार्कर दिया जाएगा। आपने बचपन में पेंटिंग का हर किसी को शौक होता है बहुत, और मैं ये चाहती हूँ ख़वातीनों आज़ाद कि ये जो सेगमेंट है इसके अंदर हम करेंगे ये कि जो हर शख्स होता है उम्र के किसी हिस्से में भी पहुंच जाए वो एक बच्चा ज़रूर उसमें होता है, और वो जब बच्चा जागता है ना तो फिर खेलने का भी दिल करता है, कार्टून्स भी अक्सर आप देख लेते हैं, आप पेंटिंग भी कर लेते हैं, आप ड्राॅइंग भी कर लेते हैं, और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं बड़ी हेल्दी होती हैं इंसान की जहनी नशोनुमा के लिए। सो इसीलिए इस एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है कि हम करेंगे ये कि वो जो आपके अंदर का बच्चा है ना उसको हमने इधर लेके आना है बोर्ड पे, ठीक है जी। तो अब होगा कुछ यूं कि आपने टर्न बाय टर्न आपने अब्दुलरहमान की तस्वीर बनानी है, मायरा की तस्वीर बनानी है, तो हम करेंगे खबरदार भी तस्वीर तो गंदी बनाई, तो मेरी मुझे बहुत बुरी पेंटिंग है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मार्कर पकड़े अपना जल्दी से, ड्राइंग भी दोनों ब्लू है। अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि इधर ही फिर हाफ में करवा लें, तब्दील कर लेते हैं ना हाफ में। अच्छा जी ठीक है, अच्छा मुझे ये बताया जा रहा है कि आप इधर ही पहले अब्दुलरहमान की बनाइएगा तस्वीर, अच्छा, और हाँ वन बाय वन, और उसके बाद फिर अब्दुलरहमान को मैं मौका दे रही हूँ कि आप टाइम चाहिए होगा मैं वैसे, पर ठीक है आपको मैं 30 seconds दे रही हूँ, ठीक है 30 seconds आप इधर अपना कर लें ताकि आपको ये देख सकें, आप इधर बैठ जाएं, किधर बैठेंगी, आप बनाए तब तक हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है जी। अहमद हाँ शाहजी आप अगर कोई टिप्स देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं। अल्लाह माफ, ऐसे आंखें तो लग रहा है जैसे किसी चील की आंख है जैसे चिपक जा
टाइम आपने प्लीज नोट करते जाना है, मुझे बताते जाना है। ये नाक अल्लाह माफ ऐसी तो नहीं है नाक इनकी। सनम ये आपको भी बनाना है अभी सैयद नूर साहब ने। अल्लाह माफ, अल्लाह दांत देखो। बच्चे खाने वाली माई बना रही है। ये 30 सेकंड्स में यही हो सकता है। मैं जज हूं ना। 30 सेकंड्स में ऐसे ही हो सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड खत्म। अच्छा जी खवाती ये तस्वीर अहमद आप आए जरा आपकी शक्ल ताके साथ। क्या ये शख्स ये लग रहे हैं कि नहीं ये खवाती? हाँ, 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 क्या ये लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये लग हाँ, वैसे यार थोड़े लग रहे हैं। नहीं मैं सही कह रही हूँ। अनम क्या ये लग रहे हैं? क्या ये शख्सियत आपको जानी पहचानी लगती है? एक्सलेंट। अच्छा जी अब यही मौका दिया जाएगा बदले की बारी आ चुकी है। अब मायरा से आप... मैंने कितना प्यारा बनाया था, सबने कहा हाँ लग रहा है। शिकस्त तस्लीम करता हूं। चले जी अब आप बनाना शुरू करें एंड काउंटडाउन स्टार्ट होगा, ये मुझे दीजिएगा एंड काउंटडाउन स्टार्ट एंड म्यूजिक स्टार्ट। अब जी गौर से देखिएगा मायरा को, मायरा के खूबसूरत लंबे बाल देखिएगा। क्या जी थोड़ी कमेंट्री आप करें ना, अभी सारा मैं ही। ये मेरा ये तो गमला बना रहा है। ये देखो ना जैसे पौधों का, ये मुझे लगता है आयरन मैन बनाने लगा। मायरा के खूबसूरत घने लब है, आंख भी मिल भी नहीं रही, ये तो भेंगी आंख है। एक सॉस बदला बदला 30 सेकंड बदले की आग में जल रहा हूं मैं। अच्छा लंबे बाल तो प्यारे सुनहरे से जो हिलाए हैं इन्होंने वो तो बनाए। स्माइल अच्छी है, क्यूट है। हां ये नाक भी अल्लाह माफ, ये क्या है कि ये नीचे के चोंचे से निकली है बाल? एक बाल है, बकरे की टांग लग रही मुझे। यारे बकरे ही बकरी बकरी लग रही। शाजी आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पे? बहुत अच्छी, उससे अच्छी। बस टाइम खत्म, प्लीज अब टाइम खत्म ही कर दें। अच्छा एक साइड पे बाल है, दूसरी साइड पे क्या मतलब? ये झुमके सारे बाल इधर आए। आपने ऐसे लपेट के ऐसे इधर कर लिए। अच्छा जी वाह वाह, क्या शाहकार है मेरा। अब मौका दिया जा, बैठिएगा सैयद नूर साहब। शाह जी ये क्लैरिटी तो इसमें है, क्लैरिटी इसमें। अच्छा अब आपने भी आना है, अब आपने भी आना है। मैंने क्या, मैं जज हूं। आप जज हैं? अच्छा सनम मैं नहीं नहीं आई, चले म्यूजिक बजाइएगा सनम की बारी। आप मुझे पेंट करेंगी, आ जाएं। अल्लाह खैर, ये मैंने क्या कह दिया, जज्बात की लहर में मैं बह गई। ये मैंने क्या कह दिया, ये तो मैंने गलत कह दिया। नहीं एक्साइटमेंट में मुझे पेंट करेंगी। आ जाए जी अब ये मुझे पेंट करेंगी सनम। और एक सेकंड ये मार्कर और मैं आपकी बड़ी प्यारी, आपको पता है ना मेरा आपकी। हाँ चले मुझे बिल्कुल भी नहीं तब करें ना, अच्छा है बल्कि। चले जी सुने मेरी बात, ये देखे मैं खड़ी नहीं हूँ। आप मैं पोज मैंने बनाया, ये देखें। आप मुझे एक बात कहें, इसके बदले में मैं आपको कलाम सुना दूं? नहीं वो तो है ही, वो तो है, सुनाना ही सुनाना है हर हाल। इनको कहें शुरू करें शाहजी। 1 2 3 गो जी। मैं इधर है, आंखें 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 मुझे देखे ना, मैं इधर हूं। प्यारी है बहुत याली ये करे 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 आंखें बनाए, भला मेरी दो आंखें तो कर दे मुकम्मल। यही गलत हो गई यार। टिप्स तो दे दे इनको सर, कोई टिप्स तो दे दे। आंखों में देखे गैप कितना ज्यादा है। ये गंजी बना दिया गंजी। वाह जी आई बॉल देखे किधर है। अल्लाह मैं कहती हूँ ये मैं हूँ, ये तो बगैर मेकअप के भी नहीं मैं हूँ। तबाही फिर गई है। वाह 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 लंबे बाल सुंदर के। हाँ अब्दुल रहमान आप देख, मैंने साथ साइन भी कर लिया कि मैं हूँ। ओए ये एक सेकंड आप इसको बैठ के करोड़ों कमा सकते हैं ना बाल। ये क्या हुआ यवलिनो हजरत, ये देखिएगा ये मेरा पोर्ट्रेट बनाया है। नहीं मैंने आपका नहीं बनाया, मैंने आपको देखा भी नहीं है। और ये आंखें मिल भी नहीं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। आपस ये में नहीं मिल रही, आपस ही में नहीं मिल रही हूँ, इनका कोई इरादा भी नहीं है आपस में। नहीं नहीं मैंने आपको देखा भी नहीं है, मैंने वैसे ख्याल ही बनाई है। और ख्याल में भी इतना खतरनाक ख्याल, इतना बुरा। अरे वाह। इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचता है। किसकी पेंटिंग आपको अच्छी लगी? ये पहले नंबर पे पेंटिंग थी,
ये सेकंड नंबर पे दिखाइएगा, क्लोज अप दिखाइएगा सेकंड नंबर पे, ये क्यूट है, और ये मायरा की, और ये मायरा ने अब्दुल, ये कोई खूनी सा बंदा लग रहा है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, कम से कम बाल तो मिल रहे हैं, बालों का स्टाइल दिखाइएगा क्लोज अप, बहुत सारी क्लैप और म्यूजिक हो जाए मायरा, वाह थैंक यू, वेरी गुड जी, हेयर स्टाइल मिल रहा है, और वैसे सबने देख के कहा था वाकई लग रहा है, मत ऐसा ही है ना, सबने ऐसा ही है। अच्छा खवातीनों से आपको मैं ये ज़रूर बताती चलूँ, हमारे जो प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ हैं, हमने मुख्तलिफ तर्ज की, मुख्तलिफ किस्मों की हमने इसलिए एक्टिविटीज़ रखी हैं कि जो ये वीकेंड का सर टाइम होता है ना, ज़रा हल्ले गुल्ले का, मौज मस्ती का होता है, तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं, और हमारी इस प्रोग्रामिंग का मकसद ही है कि एक तो बिज़ी स्केड्यूल में, बिज़ी लाइफ में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशनज होती हैं छोटे बड़े पैमाने पर हर शख्स की ज़िंदगी में, तो थोड़ा सा एट ईज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप बोल रही हो, पीछे से पोज़ दे रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़, आपसे मैं अभी बात करूँगी, आपसे मैं अभी बात करूँगी कि आप इनको, इनकी मैं इनको सोच रही थी ना, तो आप बोल रही, तो देखिए बोलती तस्वीर है, बोलती तस्वीर है, हमें मिला दूंगी। अच्छा बाकी एक्टिविटीज़ में भी पता चलेगा, लेकिन उसमें सैयद नूर साहब का भी हमें साथ चाहिए होगा, लेकिन खवातीनों साथ चूँकि सनम मारवी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत सारी हमें फरमाइश भी आ रही है कि सनम से मुख्तलिफ कलाम सुनने, तो सनम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक खूबसूरत सा कलाम प्लीज़ पेश कीजिएगा। कलाम जी 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 नात, जो आप सुनाना चाहें आप खुद बताइएगा जी, नात, ओके जी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वातीन औजात सुनने की हम सादत हासिल करेंगे, और रबीउल अव्वल का ये बाबरकत, बरकतों का महीना है, इस बरकतों की महीने में जितना हो सके रहमतें नेमतें समेट लें, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे, खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करते हैं।
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करना है कि आपने रौनक बख्शी हमारे सेकेंड वीकेंड एट होम की एपिसोड में। सईद नूर साहब, पुराने दौर तो नहीं, गोल्डन एरा की अगर हम बात करें, 80s के दौर की सर, एंड देन इस्लाह मेरी कीजिएगा, 80s-70s के दौर में क्या माहौल होता था? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, नदीम साहब के हवाले से कोई वाकयात, शबनम जी के बारे में कोई वाकयात, कैसा मिजाज इन तमाम स्टार्स का होता था, आपस में कैसे मिलते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी आर्टिस्ट थे सब में एक पैशन था अच्छा काम करने का, और चूंकि एक ही एंटरटेनमेंट थी पाकिस्तान में फिल्म, PTV जो है ये खबरनामे के बाद बंद हो जाता था। सही। तो लास्ट शो बहुत अच्छा लगता था सिनेमाज में, इसलिए कि और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती थी। तो जहाँ तक ये आर्टिस्ट लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, ये अगर कहूँ कि प्रोफेशनल बहुत थे। मोहम्मद अली साहब क्योंकि बहुत बिजी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक शिफ्ट निकाली सुबह 7 बजे की। अच्छा। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक। okay. उसके बाद अगली शूटिंग जो है 10 बजे से आगे ऑनवर्ड। okay. उसको हम टेडी शिफ्ट बोलते थे। अच्छा, टेडी शिफ्ट 3 घंटे की। ये 70s की बात। टेडी शिफ्ट। अब ये देखें कि कुछ लोग दूर दूर से आते थे टेक्नीशियन, और ये तो मुझे याद है कि हम बड़े सुबह 6 बजे उठे हैं कि 6:30 बजे तक पहुँच जाए। हम पहुँचे 6:30-7:15 पहुंचे तो आगे मोहम्मद अली साहब टहल रहे। अरे पहले पहुंचे। अरे सुअर, तुम अभी आ रहे हो, तुम लोग टाइम की पाबंदी करो। वो शख्स 4 शिफ्टें करने के बाद फिर टाइम पे आ रहे। अरे वाह, देखे ना। तो हम यंगस्टर उस वक्त भी, और ये उनमें बहुत थी। और फिर जो उनकी खासियत थी, हाँ क्या सीन है, अगर रोने वाला सीन है तो मेकअप वाला ग्लिसरीन लेके खड़ा है, अगर ले जाओ। अच्छा। उन्होंने, हाँ भाई, मेरे उस्ताद साहब को सुलू कहते, सुलू टेक करो। अब कैमरा स्टार्ट हुआ है और उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई है, और ओरिजिनल उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, ओके। कोई वो ग्लिसरीन नहीं नहीं लेते। अच्छा। थे ग्लिसरीन ओरिजिनल रोते थे वो। अच्छा। अपने ऊपर वो कैफियत तारी कर, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि मैं नात कह रही थी तो मुझे ऊपर कैफियत थी। कैफियत। तो वो जो वर्ड्स होते थे सीन के, जो सिचुएशन होती थी, वो अपने ऊपर तारी कर लेते थे। अच्छा अच्छा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और आर्टिस्ट की बात करता हूँ, आगा ताली साहब। अरे वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे ना, तो डायरेक्टर को प्रॉब्लम होती थी कि हीरो की डेट है, मैं हीरो को पहले फारग कर दूँ तो इनकी तो डेट मिल जाएगी। तो वो मेकअप दाढ़ी लगा के मूछे लगा के बैठे हुए, और ये बड़ा मुश्किल होता है। और वो ये नहीं कह रहे कि भाई मेरा काम कर लो, मैं सुबह 10 बजे सबसे पहले आया हूँ। 6 बजे उन्होंने बोलना है, हाँ भी अब मैं जाऊं। ये वो आर्टिस्ट थे। अभी आज का मैं कहता नहीं हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, अपने अपने मिजाज के आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आर्टिस्ट आता बाद में पूछता पहले कि जाना कब है। जाना कब है, बिल्कुल सही, मैंने भी ऐसा ही सुना। ये जो डेडिकेशन है ये हमारे यहाँ नहीं रही। सर मैंने सुना है एवेन्यू स्टूडियो का एक फवारा बड़ा मशहूर, उधर लोग खड़े होके उसी फवारे पे वो टहल रहे थे ना मोहम्मद अली साहब, उसी फवारे पे टहल। कैसे पहुंच जाते थे? कोई खास वजह? उस फवारे पे सारे जमा भी हुए होते थे, कोई सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है इधर से। अच्छा, एंड एक्ट्रेसेस की अगर हम बात करें, फीमेल जो जितनी, दो फीमेल की बात करता हूँ, मैडम जेबा की और मैडम शबनम की। अच्छा, अली भाई पूरे टाइम पे आ जाते थे और वो कहता भी जेब तो अपने हिसाब से आएगी, और मैडम जेबा जो थी वो 2 बजे आती थी। अच्छा। सबको मालूम था कि वो 2 बजे, लेकिन 2 बजे आने का मतलब ये है कि वो अली भाई के लिए खाना लेके आए। अच्छा। फिर मेकअप करके तैयार होके, ड्रेसअप होके, रेडी टू टेक वो आती थी। वाह। अब शबनम मैडम जो थी उनका वही रवैया था मोहम्मद अली साहब वाला। सही। यानी 10 बजे की शिफ्ट है तो उन्होंने 8 बजे आ जाना, 8 बजे आके स्टूडियो के रूम में बैठ के उन्होंने अपना मेकअप शुरू कर दिया, और जब 10 बजे हम पहुंच रहे होते थे तो वो रेडी होके खड़ी होती थी। फवारे फवारे में नहीं, फवारे में। अब हर कोई तो नहीं फवारे में, कमरे में।
तो ये जो आर्टिस्ट रहे हैं जिनको हमने देखा है काम करते हुए, अब अगर सुल्तान राही साहब की अगर आपको मिसाल दूं, वो 8-8 शूटिंग एक दिन में, How is it on a very serious base? How is it possible? 8-8 shoots आप कैसे कर सकते? और मेहनत इतनी और फिर dedication और कहीं compromise? यानी आप ये सुंदर अंदाज़ा लगाओ कि ये आपका floor का दरवाज़ा है ना? ठीक है। उस दरवाज़े से राही सब दाखिल हो रहे हैं और अपने कपड़े उतार रहे हैं। अरे। चलते-चलते पहन रहे हैं। अरे। और कभी-कभी ऐसा हुआ उसी के ऊपर दूसरे पहन लिए। अरे। अभी ट्राउजर नहीं उतारा उसके ऊपर धोती बांध दी है। बिल्कुल सही। हाँ जी चलो। डबल ड्रेसेस पहन के तो लेकिन इतनी बहुतात में फिल्में बनती थी कि एक आर्टिस्ट के पास 40-40, 45-45 फिल्में प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें वो काम कर रहा है, लेकिन कहीं भी वो ये कोताही नहीं कर रहा कि उसने टाइम दिया वो पहुंचे ना और आके सेट के ऊपर कोई ये कहे कि जी मुझे मैकडॉनल्ड मंगा के दें, मुझे ये मंगा के दें, मुझे वो, जो पका हुआ है अरे सारे स्टाफ सारे यूनिट के साथ बैठ के वही खाए। अच्छा कोई ये नहीं कि फलां चीज टैंट्रम्स नहीं वही सब लोग खाते थे अरे सारे बड़े एक्टर जितने भी थे। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब एवेन्यू स्टूडियो में वहीद साहब की शूटिंग है, नदीम साहब की शूटिंग है, मोहम्मद अली साहब की शूटिंग है, सबकी शूटिंग है, जैसे 2 बजे मैडम जेबा लेके आ गई खाने, नदीम साहब के भी घर से आ गया, वहीद साहब से भी घर से आ गया, वो सब एक टेबल पे लग जाता था, सब एक टेबल पे लग गया और सब खाते। अरे वाह एक पूरा बफे। ये मोहब्बत थी। आज तो टांगे खींचते हैं एक्टर एक दूसरे की, वो क्यों है और ये क्यों है फलाना। अच्छा कभी ऐसा हुआ मोहम्मद अली साहब अजेबा जी की कोई नाराजगी हुई हो और सेट के ऊपर लेके तो खाना आ गई हो लेकिन उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा हो नमक ज्यादा डाल दिया? कितनी खूबसूरत निभी है हमारे यहाँ जो जोड़ियाँ हैं, आप देखें सविया भाभी और संतोष भाई, दर्पण भाई और नैयर भाभी हैं जी, ये वो जोड़ियाँ, फिर जेबा मैडम और जेबा भाभी और अली भाई, फिर साइमा और सैयद नूर। बिल्कुल अच्छा मैं पॉज लिया है ना बिल्कुल माशाल्लाह। कोई मैसेज देना है तो दे सकते हैं। हाँ मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं वो तो दिल से निकलती है और वो सुनती नहीं है तारीफ करती, क्यों करते हैं क्यों बस। अच्छा वैसे उन्हें देना, अब आपने ये टॉपिक छेड़ा, मैं इस वजह से ना छेड़े ना छेड़े नहीं छेड़े मलंगा नू इतनी बड़ी आर्टिस्ट आप, मैंने प्लेज में हमने जो उनको काम करते हुए साइमा जी को देखा है, फिल्म्स की तो खैर कमाल कुछ और, लेकिन देन जरूरी नहीं होता फिल्म्स की ही काम करने वाले स्टार्स जो हैं टीवी पे भी उतने हिट, दिस एक प्राइवेट लाइफ वो क्यों ज्यादा पसंद करती है? आई डोंट नो, देखिए मैं बताऊं आपको, नेशनल अवार्ड 3 मिले उसको, तीनों लेने नहीं गई, बाकी जितने भी अवार्ड हैं कोई अवार्ड आज तक वो लेने नहीं गई। मैंने उससे पूछा, कहती बस मेरा मिजाज, मुझे याद है जब डाकू रानी का अवार्ड था तो लाइव पीटीवी पे चल रहा था, तो मैंने कहा देखो ये कंपटीशन ऐसा है तुम्हें मिलेगा हर सूरत, तुम ये प्लीज चलो। कहती अच्छा चलें आप जाएं, मेरी सीट रख लीजिएगा फिर मैं पहुंचती हूँ, मैं तैयार हो। मैं आ गया, हम बैठे, अवार्ड अनाउंस हुआ, उसी का अनाउंस हुआ, वो नहीं थी और मैं अवार्ड लेने गया, मुझे बड़ा बड़ी तकलीफ थी। जब मैं गुस्से में घर पहुंचा तो तेल लगवा रही थी और कह रही हाँ मैं देख रही थी मेरा अवार्ड ना। इस किस्म की देखो मैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि ये खुद सराई नहीं है, मैं उसकी अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज तहज्जुद गुजार है, उसे और कोई काम नहीं है। अगर अभी आप मेरे साथ चलें तो आप देखें तो उसने वहाँ पे टीवी के ऊपर वो लगाया होगा मजहबी प्रोग्राम, यानी काम एक दूसरा पहलू है उनकी शख्सियत के, लेकिन जो असल साइमा जी हैं उनका। और वो कहती मैंने नहीं काम करना, मैं नहीं करना चाहती आगे। और उसको कहता हूँ नहीं यार मुश्किल से एक आर्टिस्ट है हमारे पास, अच्छी आर्टिस्ट है। अब ये सेल्फ निगेशन होती है ना, जात की नफी होती है। आपकी सुनती हैं वो कितनी आपकी मेरी हर चीज सुनती है सिवाय इसके कि मेरे साथ बाहर खाने पे चलो। है आप लोग खाना नहीं खाने जाते बाहर? नहीं जाती वो। ओ है अब्दुल रहमान आप कोई टिप देना चाहे? नहीं कहते सही है पैसे बचते नहीं, मतलब नहीं ये मैं कहूँ
कि मेरे ना दोस्त की बच्ची की शादी है वहाँ चलना है, आएंगी लिफाफा पकड़ा देंगे, ये मेरी तरफ से दे दीजिए, तुम करो। नहीं जाती। सनम आप कुछ कह रही हैं? हाँ मतलब कुछ लोग जो है वो महदूद रहते हैं, उनको अच्छा लगता है घर में। आप भी वैसी हैं? मैं भी ऐसी हूँ। क्यों, आप क्यों नहीं सोशलाइज करती हैं? मैं कुछ ये रीज़न है कि मेरी बेटी माशाल्लाह 14 साल की है, तो मैंने खुद पे किया कि मैं अगर किसी के घर जाऊंगी तो शोबिज के लोग जो है वो भी मेरे घर पे आएंगे, तो इसमें बुरी बात मतलब ये अच्छी बात है, बट मैं खुद चाह रही थी कि नहीं मतलब ना हो, क्योंकि इतनी स्ट्रगल मैंने देखी है इस फील्ड में, मैं नहीं चाहती कि कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मेरी बेटी का हो, तो ये मैंने खुद पे किया कि मैं नहीं जाती। दिल बहुत करता है कि जाऊं, पर मुझे 8-9 बजे से पहले पहले अपने घर जाना जाना। अच्छा आपने हार्डशिप्स की बात की, मैं इसलिए ये सवाल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताऊं हमारे घर में अभी मैडम शबनम आई थी, अच्छा रोज खाने बन रहे थे, अच्छा रोज सारे एक्टर्स आ रहे थे, सब लोग रोज आ रहे थे मैडम शबनम। आपके घर आते हैं लेकिन वो नहीं जाती, वो नहीं जाती, घर से नहीं निकलती। ये आपका कोई मेरे ख्याल में कन्विंस करने का स्टाइल नहीं ठीक है। मुझे बताओ, मुझे मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे अब तो अब्दुर्रहमान आपको देख रहे हैं, वो कह रहे अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ क्या क्या हाल हो सकता है इसका। हाल हो सकता है, हाल हो सकता है। आप कहेंगे अब नहीं, हमने जाना रिवर्स साइकोलॉजी करें, रिवर्स। अब मैं आपको एक और उसका पहलू बताऊं। अब आप कहें कि वो एक यतीम बच्ची है, उसकी शादी है और कोई नहीं है, उस पे जाएंगी, उस पे जाएंगे, उस पे बिल्कुल सही, वो दैट्स वो उनका एक तस्वीरें नहीं उतरवाती। अच्छा ये एक्टर क्या होता क्या है एक्चुअली? आपने नाराज होके देखा, सॉरी मैं बात आपकी इंटरप्ट करूं, कभी नाराज होके देखा? मैं नहीं बात करती हूं, बार कितने दिन तक होना खसमान उगा नाराज नहीं, ऐसा तो नहीं वाकई नहीं, वाकई होने का ना, इस बात पे नाराज होते तो हो जाओ। तो कितने दिन तक मैं रात की आपको बात बताता हूँ, रात में गया मैं बहुत थका हुआ था, कल की बात, ठीक कल की बात, कल रात की, तो मैं बहुत थका हुआ था, मैं लेट गया, यार मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही है, मैं सोने लगा हूं। मैं तो आधे घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पाँव दबा रहा है, अरे और वो मुझे दबा रही थी, मेरे पाँव दबा रही थी, मतलब इस किस्म की खातून। अच्छा मैं एक्टिंग की बात करता हूँ, एक्टिंग है क्या? एक्टिंग सेल्फ निगेशन है, ज़ात की नफी है, बिल्कुल। तो ये वो बहुत खूब जानती है अपने आप को माइनस करना। मैं कहता हूँ कि अब बैठी होगी, लगेगा एक की एक्टिंग करेगी या क्या डायलॉग बोलेगी, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आएगी तो हैरान कर देगी आप। एनर्जी कुछ और होती है, बदल लेती है अपने आप को। तो यही सही एक्टर यही होता, बड़े एक्टर की ये निशानी, सही एक्टर की। राई साहब, सुल्तान राई साहब, अरे अच्छा अब वो एक्शन हीरो है, अब देखना जरा मैं उनकी कॉपी करने लगा, प्लीज हैं जी, वो कह रहे हैं अच्छा मैं जा रहे हैं, मैं दूसरी शूटिंग से जाना है मुझे, वो उधर से डायरेक्टर की बात है, आगा साहब रेडी एक्शन, वाह ये हो वाह क्या बात, ये सेल्फ निगेशन है, ये एक्टर है, इधर कॉमेडी कर ये आप एक्शन बोले, एक्शन बोले, एक्शन एक्शन, ओए होए वाह, अरे ये थे, ये एक्टर थे, अरे वाह। ये तो आज का तो सिवाय फैशन के कुछ है ही नहीं, बात अनफॉर्चुनेटली आज कुछ नहीं। अच्छा मारा जिस तरह सईद नूर साहब ने बात की कि लोग, मैंने सुना है ये तो ये बेहतर और जितने सीनियर्स बता सकते हैं, लिटरली जो गार्ड होता था ना चौकीदार, उसको पैसे दिया करते थे कि हमने अंदर एक झलक देखनी है जो स्टार्स हैं स्टूडियोज में, यानी इतना क्रेज होता था, इतनी एसोसिएशन होती थी। आपको लगता है अब जो ऑडियंस की एसोसिएशन स्टार्स के साथ वैसी है? मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का इसमें बहुत एक रोल है, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सपोज होना शुरू हो गई चीज़ें। आई थिंक एक्टर्स को चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा ना शेयर करें, मतलब अब मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरा नहीं दिल करता कि जैसे उन्होंने कहा कि जो मेरा घर का जो माहौल है, मैं नहीं चाहती कि बाहर की दुनिया भी देखे, सो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें ना दिखाऊँ। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि आप हर चीज़ दिखाएं, फैंस आपको देखना चाहते हैं, ठीक है आपसे बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया बहुत खराब, टीवी पर देखें अच्छे कॉमेंट्स तो होते हैं, साथ साथ बैड कॉमेंट्स इतने होते हैं ना, आपको दुख लगता है। लेकिन एक बात और भी तो है ना, लोग देखना चाहते हैं कि हमारे जो हीरो हीरोइन हैं ये कैसे रहते हैं, वो सीखेंगे भी तो ना, बिल्कुल ऐसा ही। आप अगर छुपाते हैं तो ऐसे का मतलब चीज वो छुपाई जाती है जो गलत है, जो चीज सही है वो नुमाया की जाती है, उसको नुमाया किया जाता है। हाँ ये अलग बात है कि आप वैसे जैसे रहना आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी रहे, लेकिन वो जहाँ छुपाने वाली बात है
That is wrong. बिल्कुल नहीं, I agree with you. अच्छा, मैं संगीता जी का एक दफा इंटरव्यू किया था, तो she said कि मैं मार्केट जाया करती थी बुर्का पहन के, तो ये बाकी सारी ये शमीमारा थी. अच्छा, मैडम शमीमारा की आदत थी कि अच्छा, वो बुर्का पहन के, मैडम नयू सुल्ताना, मैडम जितनी भी हीरोइंस थी, अच्छा ये सारी सब बुर्का पहन के जाती थी, फिर संगीता भी. अच्छा, ऑफ कोर्स एक टाइम ये लास्ट हीरोइंस हैं जो बुर्के पहन के जाती थी. मार्केट में उसके बाद तो बुर्के, उसके बाद तो स्लीवलेस पहन के जाना शुरू हो गए. नहीं, मैं अबाया पहन के जाती हूं. अच्छा, साइमा जी भी इस तरह मार्केट्स में या नहीं जाती हैं? कहाँ जाती है वो? घर से तो बाहर निकलती होंगी. देखिए मैं बताऊँ आपको, अपने बाग तक जाती हैं घर से बाहर वगैरह, शॉपिंग शॉपिंग, मतलब अब तो कपड़ों की शॉपिंग, चीजों की शॉपिंग कौन करता है उनकी? मैं. वाओ, रियली? नहीं नहीं, वो बात करें जो कोई समझ भी आए. मैं क्या मतलब मैं काफी घरेलू तर्ज के मैंने नहीं नहीं क्या मतलब नहीं, मैं लेकिन वो ज्यादा नहीं कहती कि जी ये चीज ला दे, मैं बल्कि मना करती कि आप क्यों ले आए. अच्छा, अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं, मतलब उनको आपकी चॉइस इजीली पसंद आ जाती है. बड़ा ये बड़ा एक हाँ, मुश्किल होता है. मेरी ही चॉइस पसंद आती है. अच्छा, वाओ, नाइस सैल्यूट. अब मैं बताऊँ आपको, अब उसने कपड़े अगर बनवाने हैं तो घर में वो टेलर बुलवाती है. अरे सही है. वो आता है और उनको बताती है कि मुझे ऐसे, और उस वो है ही नहीं. अभी अभी अगर जाएंगे तो शलवार के ऊपर टी शर्ट पहन के बैठी होगी. कुछ भी उसमें है ही नहीं ये बात कि मैं नहीं नहीं, शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बेसिकली अ प्योर सोल. प्योर सोल है इस वजह से. सो अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूं है, मैं जरा ना सोचना शुरू हो गई थी काफी. अच्छा, एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे. अब स्टार्ट में ये होगा एक्टिविटी के अंदर कि एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, घड़ी ना देखें, घर पहुंच जाएंगे आप टाइम पे. स्टार्ट ही आपसे होना है सेगमेंट का. अच्छा जी, ये सेगमेंट तमाम उन बड़े सितारों के नाम के जिनके बचपन की तस्वीर आप देखना चाहते हैं. जैसे सईद नूर साहब ने कहा ना, लोग पीपल वॉन्ट टू नो एंड पीपल वॉन्ट टू सी कि स्टार्स असल जिंदगी में क्या करते हैं, तो बचपन की तस्वीरें देखना वो भी जरूरी है. सो ये सेगमेंट जो है इसमें दिखाया जाएगा कि स्क्रीन के ऊपर टर्न बाय टर्न एक सेलिब्रिटी की तस्वीर उनके बचपन की दिखाई जाएगी. 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को गैस करना है. जो जल्दी गैस कर लेगा वो विनर होगा. आप बिल्कुल जूस का एक घूंट पी लें क्योंकि स्टार्ट आपसे होगा. नहीं मैं कहां कर लूं, तो नहीं है. म्यूजिक का साथ मुझे जरूर चाहिए होगा. टर्न बाय टर्न करते हैं. पहले सैयद नूर साहब से आप ना देखें कार्ड पे, ये वैसे ही मैंने लिखा हुआ है कुछ. हाँ. कोई भी आंसर दे सकता है? नहीं, कोई भी नहीं दे सकता. पहली तस्वीर सैयद नूर साहब के लिए होगी और अब हम दिखाएंगे. म्यूजिक कीजिएगा स्टार्ट. तस्वीर दिखाएंगे अब जी. तस्वीर, अच्छा जी, सवाल करने. अब आपने ये सेलिब्रिटी की तस्वीर देखी. ये पाकिस्तानी जी? पाकिस्तानी है. किस शोबे से? ये है फिल्म इंडस्ट्री से. दो सवाल हो गए. हीरो थे? हीरो 70s के? 70s के. आपने जिक्र भी किया. चार सवाल आप लोग गैस करें. हाँ, आप वहीद मुराद. बिल्कुल सही, वहीद मुराद साहब. एक जुमला वहीद मुराद साहब के बारे में. पहला और आखिरी सुपरस्टार. अरे वाह, जो वाकई सुपरस्टार था, जिसको कहा जाना चाहिए सुपरस्टार. अरे वाह, इनके बाद स्टार आए हैं, बड़े बड़े स्टार आए हैं, लेकिन सुपरस्टार नहीं आया. एक्सेलेंट, बिल्कुल सही. बड़े बड़े आदमी वाकई में. वेरी गुड जी. चार सवालात में, नहीं घर नहीं जाना, आप उठ के जा रहे हैं कहीं? मुझे लगा घर जा रहे मैं टारगेट बन चुका हूं. मुझे वाकई लगा मैं क्या करूं. अच्छा जी, चार सवालात में इन्होंने गैस कर लिया. मायरा बस कर दें, जूस खत्म हो चुका है. टेंशन हो रही है, मैंने इसलिए जूस सारा फिनिश. मायरा के लिए अनम दिखाएं तस्वीर. चले जी, मायरा के लिए अनम के कहने पे तस्वीर दिखाएंगे. अनम के, अनम प्लीज हेल्प, दिखाएंगे अब. दिखाएं तस्वीर अनम के लिए. ओ मायरा, ओ ये तो वो हमारी टीवी की बहुत अच्छी स्टार है, अधिका ओडू. बिल्कुल ठीक. वाकई बगैर किसी सवाल के हमने जवाब. कैसे पहचान लिया आपने? ब्रेकिंग न्यूज. ये कैसे पहचाना है आपने? की बहुत ज्यादा देखो उनकी आंखों से. आंखों से, हां माशाल्लाह, कितनी क्यूट है. सैयद नूर साहब, अतीका जी के बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, अतीका जितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, जितनी अच्छी, उतनी अच्छी इनको एक्सपोजर नहीं मिला. ना किरदार मिले, ना परफॉर्मेंस देखने में आई. बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो महरूम रहते हैं अच्छे काम से, जैसे ये है. नहीं, इट्स ट्रू. ये एक बड़े इंसान के मुंह से सिर्फ नहीं,
हर चीज का एक वक्त होता है, बट माशाल्लाह अब यू वन द हार्ट्स ऑफ पीपल और अभी आप लीड ले रही हैं, तो जरा ज्यादा इनकी तारीफ मत करें आप, क्योंकि आप अभी विनर बन रही हैं। अच्छा? शाह जी ने तो चार सवाल में ना आपने पहले गो में गेस कर लिया। चलिए जी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्या आप तैयार हैं अहमद अब्दुर्रहमान? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप फोकस्ड हैं? कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आनेक दे हुआ ना फोकस। तस्वीर दिखाइएगा इनके लिए अब जी। अरे ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, वाकई मुश्किल। अब सवालात कीजिएगा। अच्छा, नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं गेस करना। तो सवालात आपने मुझसे करने, मैं आपको थोड़ी सी हिंट कराऊंगी। मायरा, आपको मैं एक नाम दिखा सकती हूँ अगर उठ के मैं आपको। हाँ। अच्छा नहीं, मुझे मना किया फौरन का। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा तो टीवी के या फिल्म के? टीवी के और फिल्म भी की है, लेकिन टीवी के मोस्टली। नई जनरेशन मतलब है, लेकिन जिस तरह बहुत नई नई फोटो से नई जनरेशन नहीं लग रही जी, मतलब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, काफी पुरानी लग रही है तस्वीर। ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट एरा के तो नहीं है। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट एरा के नहीं। खवातीन हज़रत, आप भी गेस कर सकते हैं इन सेलिब्रिटी का नाम पीटीवी होम के पेज पे जाके, जहाँ पे हमने वीडियो टीजर दिया हुआ है उस पे नीचे आप गेस करके तो नाम लिख सकते हैं। लेट्स सी, फिर आपका नाम भी इंशाल्लाह अनाउंस किया जाएगा। कोई और सवाल करें ना? नहीं, नहीं, नहीं। बड़ी मासूम तबीयत के हैं और बड़े लाइट लाइट रोल्स किए हैं। मेरे ख्याल में मायरा अगर नाम देख लेंगी ना तो जरा ज्यादा वो तो नहीं है, दिखा देना मायरा को तो नाम। कॉमेडी भी की हुई है? हाँ, कॉमेडी। कॉमेडी नहीं की हुई। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गेस किया था। कॉमेडी नहीं की हुई जी। कोई हिंट दे दे मायरा इनको प्लीज। फिल्म भी की है इन्होंने भी। हाँ, खलील उर रहमान कमर साहब के। हाँ, एक फिल्म की है, उसके हीरो बने और बहुत अच्छी आदत के, और बड़ा लोग रिलेट करते हैं कि घरेलू हीरो हैं। घरेलू हीरो से मुराद ये कि इनको जो है पुराने हमारे सुपरस्टार। मेरी फिल्म देवर भाभी में भी काम। लो जी, नदीम साहब के साथ भी इनको थोड़ा सा कहते हैं रिजेंबलेंस है थोड़ी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कहा जाता है। अच्छा जी, 5 4 म्यूजिक 5 4 3 2 1 गिव अप। समी खान। समी खान बिल्कुल ठीक। और इसके नंबर इसलिए इनको नहीं मिलेंगे कि ये मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आप सबके माइक ऑन है। नंबर वन, आप मैं तो अगर बात भी कर रही हूँ मुझे इधर से भी आवाज आ रही है, तो मायरा भी डिस्क्वालिफाई और सैयद नूर साहब अब विनर बन रहे हैं। वेरी गुड। ये मत भूलिएगा अब्दुर्रहमान के ये आप हैं। आपने नहीं भूलना, इनके तसव्वुर में आप ऐसे लगते आप जिन हैं। ये देखें, और मायरा ये मत भूलिएगा कि इन्होंने एक साइड से आपके बाल ही हटा दिए, बाल ही उड़ा दिए। ये मत भूलिएगा, इसने इतना मस्कीनों वाला मुंह बना के मुझे देखा, मैंने बोल दिया। अच्छा जी, अब जल्दी से सनम के लिए तस्वीर दिखाएंगे जी। दिखाइएगा तस्वीर अब। ओह, अच्छा जी, अब सवाल आप करें जल्दी से, क्विकली। ये तो बचपन से सिंगर लग रही है मुझे। हाँ, लेकिन बताना नहीं आपने। सिंगर है? सिंगर, यस। बहुत मशहूर अभी है? नहीं, अब हयात नहीं है, बहुत अर्ली एज में। हाँ। नहीं, आवाज माई कौन है आप लोगों की? बहुत ही मशहूर भाई, ट्रेंड सेटर ऐसा ही। मतलब पॉप, क्लासिकल या पॉप? पॉप, पॉप। अच्छा ठीक है, ठीक है। सवाल करें ना। जोड़ी, एक जोड़ी, जोड़ी। हाँ हाँ, भाई बहन। भाई बहन जो मैं वो बता रही हूँ उनका नाम। नाम? हाँ, परसों तक आ जाएगा याद? परसों तक होल्ड कर लेते हैं शो, बताएं। नहीं, मैं गाना उनका याद। गाना सुना दें, गाना सुना दें, वो मान जाऊंगी मैं। 5 boom 4 disco 3 ना। हाँ, दिल दिल ऐसा कुछ नहीं, ये मैंने कहा दिल पाकिस्तान। आंखें मिलाने वाले, क्या आंखें मिलाने वाले, आंखें मिलाने वाले, ऐसा आंखें बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल चुराने वाले। नाजिया हसन, यस यार, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी तस्वीर। प्यारी। सही नूर साहब कुछ कहना चाहेंगे नाजिया के बारे में? नाजिया हसन साहिबा के, ये बहुत ही हम बदनसीब हैं। आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मेरी मुलाकात है, लेकिन ऐसी आर्टिस्ट से हम महरूम हो गए, हम बदनसीब हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारी फन की दुनिया, हमारे म्यूजिक की दुनिया अनफॉर्चुनेट बहुत जल्दी चली गई इस दुनिया से, लेकिन वेरी टैलेंटेड एंड वी रियली मिस हर। सो ख़वातीन ओज़ाद, इसके साथ इख्तिताम हुआ सेगमेंट का, और मज़े की बात ये कि चार लोग थे लेकिन तीन लोग डिसक्वालीफाई हो गए, तो बाई डिफॉल्ट ही सैयद नूर साहब विनर है म्यूजिक। इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारे लोग नहीं, इनको देखेंगे शामिल करना है डिस्क्वालिफाइड लोगों को अगली एक्टिविटी में कि नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून, कीप वाचिंग वीकेंड एट होम।
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन आज़ाद वीकेंड एट होम में। और अनम की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि खत्म हो गया है किचन का। बिल्कुल सुंदर, सब मेरा रेडी हो गया है। मैं अब आप लोगों की बातें जो है जरा ज्यादा डीपली इंजॉय कर रही हूँ। और जैसे कि ये जो हमारी एक दो रेसिपीज रह गई थी वो है चिकन चिली ड्राई और साथ में एग फ्राइड राइस जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस रेडी टू ईट है। रेडी टू ईट है, लेकिन ये हम मेरे ख्याल में सेगमेंट पहले करा लें फिर रेडी टू ईट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वेरी गुड। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट है, सीरियस हो जाएं आप लोग सारे। बिल्कुल, मैं तो कब का सीरियस हूं। टीम्स की सूरत में काम होगा, चुन लें टीम मेंबर्स कौन कौन होगा। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसी टीम रखनी है। सईद नूर साहब और मायरा हो जाए, ठीक है, और अहमद अब्दुल रहमान और सनम ही आपके साथ। एक क्लिप दिखाया जाएगा, इस क्लिप में आपने देखा कि क्या एक्टिविटी हुई, क्या बातचीत हुई, वो दोबारा से क्लिप प्ले किया जाएगा। उस पर आपने डबिंग करनी है। अब उसमें आप टोन बदल सकते हैं, आवाज बदल सकते हैं, डायलॉग्स बदल सकते हैं, ठीक है जी। रेडी, कॉमेडी करनी है, मर्जी है, जो मर्जी आप ले, जिस तरीके से भी कॉमेडी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जिस तरीके से, पहले क्लिप देखते हैं आपके लिए कौन सा। जी क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब। जी नहीं नहीं, बिल बतौरी तुम मुझे सिर्फ उसका पता बताओ, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। जरा सुनिए तो, एक तो बात है भी, उल्लू की नाक वाली हमून अपना कान मेरे करीब ला। नहीं 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 नहीं, आगे भी मेरी तीन आंखें और तीन कान थे, तेरी बहन दिल लगोड़ी ने मेरा एक कान चबा लिया। वहीं से बताओ। जी बच्चों का आधा तो दिखाया ही नहीं आपने, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। दोबारा मुझ पे कट हुआ था इसलिए। अच्छा ये बातें ऑन एयर नहीं करते आप। अच्छा, जी दिखाइएगा अब दोबारा से क्लिप। जी नहीं नहीं, बिल बतौरी तुम मुझे सिर्फ उसका पता बताओ, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। जरा सुनिए तो, एक तो बात है भी, उल्लू की नाक वाली हमून अपना कान मेरे करीब ला। नहीं नहीं नहीं, आगे भी मेरी तीन आंखें और तीन कान थे, तेरी बहन दिल लगोड़ी ने मेरा एक कान चबा लिया। वहीं से बताओ। क्लिप आपने देखा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर ऐनक वाला, जिन बच्चों का, भाई बच्चों बड़ों सबका ये क्लिप हमने देखा। अब आपने इसमें क्या देख रहे हैं? हम आप डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, परेशान आप है ना, आप कर लें। परेशानी वाली बात है, क्या परेशानी? अच्छा आप लोग डिस्कस तब तक कर लें। अच्छा जी मुझे ये याद है बचपन में अब्दुल रहमान, हम ये बड़े शौक से देखा करते थे। मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा, वो असल में आप ब्लैक एंड व्हाइट से भी पहले के वक्त के हैं ना, तो इसलिए है ना, चेंजली बदल रहा था। अच्छा बीच में एक बंदर भी है दिखाया, वो तो मैंने अभी नोट किया है, वो बोला नहीं कुछ, लेकिन अगर साउंड इफेक्ट की जरूरत है तो आपकी मदद दरकार होगी। ठीक है जी, रेडी है, चले अच्छा चले एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब। जी मुझे लेमन एट्स ला के दो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, जो मैंने खाई है वो मैं निकाल लेता हूँ और आपको खिला देता हूँ, ठीक है? ठीक है ना, जाओ ले जाओ। टीम भी बहुत परेशान है, परेशान होने की जरूरत है। क्लिप देखे ना, पहले क्लिप देखते हैं फिर। जी टीम बी के लिए क्लिप दिखाइएगा अब। जी अल्लाह तुम्हारा वाली।
जी 50-50 शोएब मंसूर साहब ने ऑल टाइम फेवरेट हम सबका और मुख्तलिफ हमने इसमें देखे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर से मोस्टली पेश किया ना नहीं मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू यहाँ कराची से हुआ था फिर लाहौर में शायद कुछ एपिसोड्स हुए 50-50 हाँ लेकिन मैं कहती ट्रेंड सेटर है ट्रेंड सेटर कराची सेंटर ही मुझे बताया जा रहा है अच्छा जी अब इसमें सिलसिला कुछ हुए गाने वाला है अब बीच में थोड़ा सा गैप भी है वो गैप नहीं होना चाहिए उसको कैसे फिल करेंगे वो अब्दुलरहमान आपने करना है ठीक है मायरा की कर लें खिदमत हाँ गैप में कर लीजिएगा रेडी है आप लोग आप क्या पढ़ रही है आप गा भी सकती हैं बोल भी सकती हैं कुछ भी कह सकती हैं एंड क्लिप दिखाएंगे रेडी हैं आप लोग मैं भी नहीं रेडी नहीं वो तो फिर आप परसों तक नहीं अच्छा मैं कुछ गाने क्लिप ठीक है क्लिप दिखाइए इट हैज टू बी फनी मजाइया होना क्लिप दिखाइएगा आप जी लाशा पे खबर था खमिस्तूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुल ना दे सलोर माला रावड़ा ताजा ताजा गुल ना दे सलोर माला रावड़ा लाशा पे खबर था खमिस्तूर माला रावड़ा ये प्रोग्राम कब खत्म होगा कब हम घरों को जाएंगे भूख लगी है बड़ा मजा आना है जल्दी करो खत्म इसको ये क्लिप भी नहीं हो रहा खत्म ये क्या चक्कर है अल्लाह ताला जल्दी से खाना मिले और मैं कर जाऊं और मजे की बात ये सही ना सब जब सनम मारवी गा रही थी बिल्कुल मिल रहा था हाँ वो बड़ा सिंक्रोनाइज हुआ और बकायदा वो रिदम में वो इस तरह जो है ना भाई वो कर रहे थे तो अमेजिंग अमेजिंग खवातीन औजात ये वो मुस्कुराहटे हैं जो हम वीकेंड एट होम में आपके चेहरों पे बिखेरना चाहते हैं आपके वीकेंड को खुशगवार बनाने की एक छोटी सी एफर्ट है इस एफर्ट में हम कितने कामयाब हैं आपका साथ चाहिए आपका प्यार और आपकी सपोर्ट चाहिए और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कोऑपरेशन के बगैर ये प्रोग्राम नामुकम्मल है शाह जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कुछ कहना चाहेंगे सर नहीं अच्छा लगा है बहुत अच्छा लगा है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जितना डिप्रेशन है हमारे यहाँ तो ऐसे लाइवली प्रोग्राम होने चाहिए बहुत अच्छा लगा मोहसिन जाफर साहब मुस्तहिक हैं मुबारकबाद बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मायरा थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप दोबारा से आई और अल्लाह ताला आपको इसमें और कामयाबी आमीन आमीन सो आमीन आपकी दुआओं की ज़रूरत है आप कुछ कहना चाहेंगे अब्दुलरहमान यही कि अच्छा लगा और बस बस अभी तो आप कह रहे थे घर जाना है इनका जरा चिली ड्राई स्टैंड बाय पे रखिएगा अभी देखते हैं कैंसिल कर देंगे कैंसिल नहीं नहीं बहुत शुक्रिया आप रौनक बख्शते हैं सेट को थैंक यू बहुत मजा आता है बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि ये जरा लाइवली होने चाहिए बिल्कुल सही तो जरा इसमें आर्टिफिशियल भी नहीं है बंदा नेचुरल सा बहुत शुक्रिया सनम थैंक यू सो मच कुछ कहना चाहेंगे सो मच जी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं काफी टाइम के बाद इतना हंसी हूं और बहुत बहुत मेहरबानी और मोहसिन साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा मुझे याद करते नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम की बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें अनम जीती रहें खुश रहें थैंक यू सो मच यू वेलकम योर स्माइल इज ब्यूटीफुल आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं ना तो मैं भी मुस्कुराना शुरू थैंक यू सो मच जीती रहें खुश रहें खवातीन हज़रात इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और दूसरों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए अल्लाह ताला आप सब के लिए ढेरों खुशियाँ आप पे बरसाए आमीन सो आमीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत सा कलाम हम सुनेंगे सनम की आवाज में बिस्मिल्लाह